वास के नीचे पानी को जमाएं, ग्लास से आइस क्यूब्स निकाल लें। अब अपना पेंट सेट लें, थोड़ा आर्टिस्टिक हो जाओ। सीधा आइस क्यूब पर पेंट करें, अलग अलग कलर्स लें। जब बर्फ पिघलेगी तो पेंट नीचे की तरफ आएगा, कलर्स मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। पेंट के अलग अलग लेयर्स बनाते जाएं। ये बहुत रिलैक्सिंग है, इसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। और अब हमें ये मिलेगा, समझे? ठीक है, तो मुझे क्लास वर्क शुरू कर देना चाहिए। हाँ, मेरे पेन को क्या हो गया? इंक खत्म हो गई। हर बार यही होता है, कोई बात नहीं। सोफिया, हे, तुम ठीक तो हो लूना? मेरा पेन काम नहीं कर रहा, मुझे एक मिल सकता है? कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है, वो यही कहीं है। ये पेन नहीं है, जरूर को। हाँ, ये कैसे हो सकता है? यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, मुझे और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जानती हूँ अपना सामान कैसे रखना है। पहले इस फोल्डर के ऊपर रबर बैंड लगाना होगा, थोड़े और चाहिए। अब मैं इसमें अपना सारा सामान रख सकती हूँ, और अंदर तो और भी जगह है। सब एक ही जगह पर और ढूंढने में भी आसान। अच्छा लग रहा है ना? और ये रहा तुम्हारा पेन। हाँ, क्या? ओह हाँ, थैंक्स। कमाल है, मुझे इतना अच्छा सपना आ रहा था। इतना बोरिंग टेस्ट है। खैर, मुझे तो पसंद आया। तुम पढ़ाकू हो ना, थोड़ी मस्ती हो जाए। हे, बचकानी हरकतें मत करो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। मुझे यहाँ से जाना होगा। ओह, एक मिनट रुको। हे, अब क्या है? जरा ये देखो, बस इसे स्लीप पर रब करेंगे और घुमाएंगे। मान लो तुम्हें पसंद आया। वो तुम तो जादूगर हो, मैं ट्राई करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, जादूगर कभी अपने सीक्रेट्स नहीं बताता। मुझे और फ्रिक्शन चाहिए। ये देखो, मैं नहीं कर सकती। ओ, समझ गई, मैं इसे अपने दिमाग से पता लगाऊंगी। मैं ग्रेविटी को तो भूल ही गई थी। अर्थ रोटेट करती है, मतलब समझ गई। चलो इसे दोबारा ट्राई करें। ये जादू नहीं है, जो भी हो। ओह क्लास, बात ही नहीं, सॉरी, फंस गए। ओप्स, मैं तुम्हें देख रही हूँ सोफिया, मैं काम कर रही हूँ। देखो, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। रुको, मेरे पास पेन था, मैं फेल हो जाऊंगी। घर आ ही गई, क्या दिन था। मौसम बहुत खराब है, पहले मैं इस छाते को रखती हूँ। वाओ, लाइट्स को क्या हो गया? कम से कम यहाँ टॉर्च है, देखते हैं क्या परेशानी है। ये तो बुरा हुआ, दोबारा नहीं होना चाहिए, पर मैं क्या करूं? ये सोडा बॉटल काम आएगी। चलो काम पर लग जाए। इस हैक के लिए आपको एक खाली सोडा बॉटल चाहिए। हाँ चलो शुरू करते हैं। बॉटल के ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल दें, और दूसरी बोतल के साथ भी ऐसा ही करें। एक के अंदर दूसरे को डालें। अब एक छोटी बॉटल इन दोनों के बीच में डालें। ये बारिशों के लिए परफेक्ट है। ओह हाय सोफिया। हाय, तुमने बाहर मौसम देखा? सब गीला हो गया। नहीं, ये मत करो। हाँ? क्या हो गया? तुम्हें इसकी जरूरत है। बॉटल को छाते के ऊपर इस तरह लगाओ, इससे पानी फर्श पर नहीं गिरता और ये बॉटल में ही इकट्ठा हो जाता है। ये लो। वाह, काम की चीज है,
देखो, ओह माफ करना, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। आ जाओ। हाय, आप मुझसे मिलना चाहते थे? प्लीज आइए बैठिए। एक परेशानी है, सोफिया का क्लास वर्क देखिए, ये डिस्ग्रेस है। हे भगवान। हे, मैं बोर हो जाती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। रुको, कॉल आ रही है। हेलो सोफिया, बहुत गलत बात है। मैं अभी आता हूँ। आखिरकार हो गया। खेलना चाहोगी? क्या, पेंसिल लेकर आओ, खेलते हैं। सच में? ये रही। यार, ये काम नहीं आएगी। मुझे सोचने दो, हम यहाँ कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं इस टेप को नोटबुक पर लगाऊंगी, इसके साथ एक और स्ट्रिप और दो स्ट्रिप्स इस तरह। अब हमें पेपर क्लिप्स चाहिए और ये बाइंडर क्लिप्स। हाँ, शुरू करते हैं। चलो, तुम्हारी बारी है। ओह, ये तो मजेदार है। मैं अपना क्लिप यहाँ लगाऊंगी। अच्छी कोशिश थी। अच्छा किया। मुश्किल होता जा रहा है। इस बार नहीं। लो। हाँ, मैं जीत गई। शांत रहो, कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ क्या हो रहा है? इसने किया। मुझे वेकेशन चाहिए। चलो भी, इतना समय कहाँ लग रहा है। आई लव यू मिस्टर यूनिकॉर्न। हमने कर दिया, घर मिल गया। चलो पैकिंग करें। ये लो हनी, मैं फेंकाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी। वाह, बहुत सारा सामान है। अपने टॉयज पैक करो स्वीटी। तुम यहाँ आ जाओगे, पैक कर देंगे। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। इस पर टेप लगा दूंगी और ये वाला बॉक्स तैयार हो जाएगा। मेरा हो गया मॉमी, मुझे टेप मिल सकती है? ये लो। इसका एंड कहाँ है? ओह, ये स्टिकी है। तुम ठीक तो हो सोफिया? ओ नहीं, मैं फंस गई मॉमी, बचाओ। हेलो मत। ये लो, थोड़ा दर्द होगा। हो गया। थैंक्स मॉम। हाँ, अब पैकिंग कर लेते हैं। एक मिनट रुको, ये काम आ सकता है। टेप को खोलना इस हाथ के साथ बहुत आसान हो जाएगा। टेप के रोल में इस तरह जिप टाई लगा दें और इसे टिका दें। अब फालतू का जिप टाई काट दें, ये काम आएगा। ये लो मम्मी। पहले मैं टेप को बॉक्स से बंद कर देती हूँ और अब इस जिप टाई से हम इसे काटेंगे। तुम ट्राई करो स्वीट हार्ट। वो बहुत बड़ा काम है। मैं कर रही हूँ मम्मी, ये अच्छा है। तुमने बहुत अच्छे से किया। ये आवाज कैसी? एक परेशानी है। मदद कर दो। यहाँ छुपना बेहतर है। टारगेट मिल गया। क्यों? मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, ये बहुत गलत है। हे, ये प्लांट मुझसे बात कर रहा है। यहाँ आओ। मैं? यहाँ आओ। ठीक है, आकर बैठो। ओह सॉरी, ये प्लांट मुझ पर अटैक कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं टेस्ट में फेल हो गई। मैं मदद कर सकती हूँ। जरा ये देखो। वो एक ए? ये फ्री नहीं है। हाँ, शुक्रिया। अजीब लड़की, पर तुमने कैसे किया? खैर, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए, पर हर टेस्ट में अच्छा करने के लिए आपको बस एक जंबो पेंसिल चाहिए। स्कैल्पल की मदद से इरेजर को ट्रायंगल शेप में काटें। अब इसके ए शेप बनाएं, रेड पेंट में इसे डिप करें। अब टेस्ट पेपर पर स्टैंप लगा दें।
देखा ये कितना आसान है। वाह मुझे ये याद रखना होगा। थैंक्स। ओह मेरी दोस्त आ गई। गाइस जरा ये देखो, तुम ये दिला सकती हो? चलो हटो, बिजनेस बढ़ रहा है, आओ बैठो। ये लो। अरे वाह कमाल है। थैंक्स, मुझे पैसे दो। हे वाह ये फ्री नहीं है। थैंक्स। स्नैक टाइम। कितने सारे ऑप्शंस हैं। 50 सेंट्स। और ये कितने के हैं? समझ नहीं आ रहा। जरा इसे तो देखो, कितनी क्रीम है, मुझे यही चाहिए। वाह तुम मेरे साथ चलो। हो क्यों? सोचना भी मत मैथ्यू, तुमने सुना ना, हटो। हे भगवान बहुत हल्के हो। नहीं वाओ अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे हाँ आखिरकार। मैट हाय, मैं तुमसे बदला लूंगा। अब ये खत्म नहीं हुआ, आराम से बैठे हो ना, क्योंकि अब ये टाइट हो जाएगा। डिजर्ट के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, फिर मिलेंगे। पैर में खुजली हो रही है। दोबारा से मंडे आ गया। हाँ यहाँ पर बहुत ठंड है। हाँ शायद बस आज टेस्ट ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी नहीं पढ़ता। तो क्लास आज टेस्ट है। अरे हाँ देखा, तुम समझ गई। मतलब ये जानना चाहती हो ये कैसे किया जाए? पहले नेल्स लगाएंगे। और जब ये अच्छे से चिपक जाए तो उसी साइज का पेपर इसके ऊपर चिपकाएं। बहुत आसान है। ये रहे सारे जवाब। अरे वाह तुम्हारे कहाँ है, जरा देखो तो। हाँ मेरा सोडा दो। ये रहे। मैं बहुत तेज हूँ ना, इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस इसे उल्टा करना है और यहाँ पर जवाब लिखने हैं। अब उसे दोबारा सीधा कर देंगे। कमाल है। हाँ मैं जानता हूँ, तैयार हो? ओ हाँ हाँ मैं हमेशा से तैयार हूँ। वाह अब इसे उल्टा करेंगे। ये रहे। यही वो समय है। हेलो दोस्तों, एक सेकंड रुको, टाइम खत्म हुआ। बहुत अच्छा किया क्लास, मुझे क्या मिला? और मुझे शानदार, हमने कर दिखाया। ये रहा तुम्हारा अगला चैलेंज। मैं ही कर सकती हूँ या शायद नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। सब कुछ बकवास ही होते हैं। दोबारा मैं भी कमाल ही कर देता हूँ। वाओ मुझे बहुत भूख लगी है। क्या ये आवाज तुमसे आई? मैंने आज नाश्ता नहीं किया था, शुक्र है मैं ये लाई हूँ। हेलो दोस्त। एक्सक्यूज मी एमिली, तुम्हें रूल्स पता है ना? मेरे दिमाग से निकल गया था, सफल जी बना लेती हूँ। अब बहुत गुड़गुड़ हो रही है, मैं ध्यान ही नहीं लगा पा रही। एक मिनट रुको, टीचर तो नहीं देख रहे ना? मेरे पास एक प्लान है और इसमें भी सर्कल्स ही हैं, बस चॉकलेट वाले। यही मौका है तो चलो। बढ़िया है ना? हम्म
एमिली, दोबारा गड़बड़ हो गई। ये काम किया? लाजवाब। हाँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी भूख लगी है। रुको, मेरा कलर बॉक्स। ये हुई ना बात, अब सीरियल लेंगे। इसमें डल गया। ओह हाँ, अब इसे खाते हैं। स्वादिष्ट, ये काम किया, कमाल है। हे, तुम तो बहुत तेज हो, तुम्हें चाहिए? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओह रुको, हाँ ये ट्रिक देखना। सारा का सारा सीरियल उसमें डालेंगे। अब ग्लू लेंगे। ग्लू से मेरा मतलब है दूध, क्योंकि ये दोनों व्हाइट होते हैं। अब सीरियल और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, स्कूल के रूल्स भी नहीं। चलो पार्टी शुरू करें। बस टीचर तो नहीं देख रहे ना? वाह, तुम बहुत स्मार्ट हो। क्लास इतनी भी बुरी नहीं होती है। वहाँ पीछे क्या चल रहा है? बस ड्राइंग कर रहे हैं सर। ठीक है। हे, मुझे भी थोड़े दो। अच्छे है ना? वाह, ये पेंट कितना सुंदर लग रहा है। इस पर प्लास्टिक की शीट को प्रेस करते हैं। ओह, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। ये मॉडर्न आर्ट जैसा लग रहा है। चलो कुछ अलग ट्राई करें। इस पेंट को फैलाने के लिए मैं इस विंडो क्लीनर का इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मेरी दीवार पर लगेगा। वेव पैटर्न बनाकर देखा जाए, बहुत बढ़िया है। इस बार पेंट के ब्लॉब्स इस्तेमाल करते हैं। इसे प्लास्टिक से खींचेंगे और कुछ इस तरह बनाएंगे। हम बहुत कुछ बना सकते हैं और हर पेंटिंग अनोखी होगी। मैं गैलरी खोल सकती हूँ और मैं अमीर हो जाऊंगी। बहुत बोर हो रही हूँ, ये कोई मजाक है? स्नैक टाइम। चलो इसे और दिलचस्प बनाए। एलियोप, ये आ रही है, पकड़ लिया। हाँ मैं जानती हूँ, ये बहुत बढ़िया था, तुम ये कर सकते हो। अरे यार, ये तो मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। ये देखो, अब तुम हैरान हो जाओगी। ओह मेरी आंख। ओह तुम क्या कह रहे थे? प्रैक्टिस करते रहो, हो ही जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम रेनबो बनाओ, और अच्छा होना चाहिए। मुझे रेनबोज बहुत पसंद है। मुझे कलर्स पसंद नहीं है। अब हंसो ना, मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। ये कुछ जादुई है, तुम क्या कर रहे हो? कैसा नर्ड है। एनी, किसका इंतजार कर रही हो? शुरू करो। हाँ ठीक है, पर मुझे सिर्फ ब्लैक पसंद है। चलो जल्दी निपटाएं। अगर आपको रेनबो चाहिए तो मैं बना देती हूँ, वो सबसे अच्छा रेनबो होगा। मैंने बना लिया। मैं इसकी खूबसूरती दर्शाना चाहता था, आपको पसंद आया? हमारा वैनगो मिल चुका है। कैसा चल रहा है एनी? टडाओ। कोई बात नहीं, आप तालियां बजा सकती हैं। तुम्हें पता है ना रेनबो कैसे दिखता है? ओह, कैसी बकवास क्लास है, मुझे रेनबो से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड रुको, ये पेंस मुझे दो, मैं इन्हें रेनबो के ऑर्डर में अरेंज करूंगी। अब ग्लू गन चाहिए, पेंस को साथ में जोड़ देंगे। अब ग्लू के सेट होने का इंतजार करेंगे। चलो अब ड्रॉ करें। पेंस को इस तरह पेपर पर चलाएंगे और इनसे एक आर्क बनाएंगे। वाह बढ़िया लग रहा है, कलर साथ में ब्लेंड हो रहे हैं। इसे ड्रॉ करना कितना आसान है। जी हाँ, अब ये पूरा नहीं हुआ। प्लास्टिक वॉलेट पर ब्लैक पेन से रेनबो बनाएंगे। रेनबो नहीं है, लो आ गया। कूल है ना, अब दिख रहा है और गायब। ओह वापस आ गया, ये कैसा जादू है। वाह कमाल है, मेरा काम पूरा हुआ। एक सेकंड रुको, तुमने मल्टी कलर टी शर्ट पहनी हुई है, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ ब्लैक पसंद है। क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मत कहना, नहीं तो मेरा मुंह बंद है। मेरा होमवर्क पूरा होने ही वाला है, ये ड्राइंग बहुत सुंदर दिखेगी। सच में, मुझे दिखाओ। नहीं अभी भी काम चल रहा है, शांत रहो। ये हो गया, और कितनी खूबसूरत है, आपको कैसी लगी? ओह ये तो, ये क्या है, क्या ये आलू है? जरा रुको, मैं थोड़ा टेढ़ा होकर देखती हूँ। ओह अब पता चला, ये एक डक है। क्या, नहीं
मैं जानती थी मैं पास से देखती हूँ और पास से देखना होगा। ऑब्वियस है ये एक लेमन है ना? नहीं ये लेमन नहीं है। ठीक है मैं वही सोच रही थी। ये बहुत मुश्किल है मैं क्या मिस कर रही हूँ। आप क्या कर रही हो? अरे हाँ ये बनाना है। अरे यार छोड़ो इसे। माफ करना स्वीटी ये क्या है? ये पिकाचू है। सच में? अरे नहीं। ओह देखते हैं मुझे कौन सा ग्रेड मिला। F? ये बहुत बुरा हुआ। वो बहुत उदास होगी पर लगता है मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। पिकाचू को यहाँ रखते हैं। अब पेंसिल को शार्प करेंगे। इससे मुझे याद आया मुझे पेंसिल शार्पनर खरीदना है। ये बेहतर है। एक और पेंसिल लेंगे। अब इसके आसपास रबर बैंड बांध देंगे। दूसरे कोने पर भी ऐसा ही करेंगे। अब ऐसी इमेज बनाएंगे। बस लाइंस को फॉलो करना है और दूसरी पेंसिल खाली पेज पर ट्रेस होगी। ये खुद बनाने से बहुत आसान है। लो ये बढ़िया लग रहा है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब हमें इसमें कलर करना है। तुम्हें कैसा लगा एवा? वाह ये परफेक्ट है। थैंक्स मॉम। मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहती। तुम्हारा दिन अच्छा जाए हनी। तुम्हें ए ही मिलेगा। ओ नहीं एवा रुको। बहुत भूख लग रही है मुझे स्नैक चाहिए। टीचर बिजी है। यही मौका है। इमरजेंसी के लिए हमेशा मेरे पास यहाँ स्नैक रहता है। ये रहा। जल्दी करना होगा अगर उन्होंने ये देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। क्या वो कैंडी थी? हे इसे इग्नोर करो। आपने कुछ नहीं देखा? क्या हिम्मत भी मत करना। आप मुझे नहीं रोक सकती। बहुत बुरा है एवा। मुझे अभी बहुत शर्म आ रही है पर कोई पछतावा नहीं। मैं सोचूंगी कि ऐसा हुआ ही नहीं पर मेरा मन अभी तक नहीं भरा। शुक्र है मैंने ये चिप्स रखे हुए थे। ये काम आएगा। मैं नहीं छिपा देती हूँ। ये पेंसिल होल्डर काम आएगा। बस आराम से बैठो बिल्कुल मामूली तरीके से। क्या स्वाद है मुझे इसी की जरूरत थी। अपना मुंह खोलो। ओ, तुम कितने अच्छे हो। एक सेकंड अजीब है मेरे पास एक और हाथ नहीं है। हेलो एवा यहाँ चिप्स अलाउड नहीं है तुमने सुना? हाँ पर आपने डोनट्स को तो ना नहीं कहा। वहाँ क्या हो रहा है? कुछ और करो। मैं तुम्हें देख रही हूँ। जो भी हो मैं बहुत तेज हूँ। पकड़ लिया। क्या खुजली हो रही है? कुछ ठीक नहीं है। वो बहुत तेज है तो मुझे भी कुछ करना होगा। मैं जानती थी ये मैनिकिन काम आएगी। अब मुझे इसका मेकओवर करना होगा। जी हाँ वही देखती रहो मैं यही तो ढूंढ रही थी। मैं इसके हकदार हूँ। इससे स्वादिष्ट डोनट मैंने कभी नहीं देखा। पिंक फ्रॉस्टिंग और स्प्रिंकल्स ये तो आर्ट है। ये डोनट मत खाओ। मैंने कहा मत खाओ। कहा था ना? नहीं रुको आप गंजी हो गई। ये मुझे दो। ये बहुत गलत है। ये खा मत लेना। अभी के अभी छोड़ो एवा। इतनी मेहनत पढ़ाई में कर लिया करो। अब और नहीं समझी? अब मुझे मार्किंग करने दो। हाँ ठीक है एक सेकंड रुको। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पहले दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे। ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अरबिक वेव पैटर्न बनाएंगे इस पूरे पर। अब ऊपर के हिस्से पर पेंसिल से बनाने के बाद इसे पेन से बनाएंगे। इससे ही उभर कर आएगा। बस रफ ड्राइंग को फॉलो करते रहेंगे। मैं अब इसे खराब नहीं करना चाहती। ये बिल्कुल डोनट जैसा लग रहा है। पेंसिल से बने हुए को हम इरेजर से हटा देंगे। अब इसे कलर करेंगे। बस वेवी लाइन के अंदर वाले हिस्से को ही फिल करेंगे। ये होगी इसकी फ्रॉस्टिंग। मेरे मुंह में पानी आ गया है। और अब डोनट को कलर कर सकते हैं। मैं इसके लिए डार्क ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। स्प्रिंकल्स के लिए करेक्शन पेन इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉस्टिंग के ऊपर डैप करेंगे और थोड़ी शैडो बनाएंगे। बिल्कुल कोनों पर ही बनानी है। ऐसा ही स्प्रिंकल्स के साथ भी करेंगे जिससे ये और असली दिखेगा। लगता है हो गया। अब अगले स्टेज की बारी। चलो इसे बदल देते हैं। अब तुम मेरे हो डोनट। मैं इस ड्राइंग को बॉक्स में डाल देती हूँ। हाँ कौन है? मैंने पक्का कुछ सुना है। क्या कुछ हुआ है? मैं तो बुक पढ़ रही हूँ। ठीक है पर मेरी नजरें तुम ही पर है। कैसे पता था बुक्स इतनी काम की हो सकती हैं? ये मेरा डोनट छिपाने के लिए बढ़िया है। जल्दी करो अगली क्लास में चलो। आखिरकार वो चले गए।
मैं इसी का इंतजार कर रही थी। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये डोनट नहीं है, मेरे साथ खेल खेला गया। एवा! सेल्फी, बहुत क्यूट है। मैं क्लास के लिए लेट तो नहीं हो गया? क्यूट तो वो है, देखो केविन आया है। हे भगवान, मैं कैसी लग रही हूँ? हे केविन, यहाँ देखो। तो तुम यहाँ हो, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वाह, वो कितना प्यारा है, हम साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे बच्चों के नाम क्या होंगे? क्या फर्क पड़ता है, वो भी बहुत प्यारे होंगे। रुको, ये क्या हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो यही कहोगी। मुझे चलना होगा, तो मैं अकेला हो गया। हे वाह, जरा ये देखो, कितना फनी है, मुझे नहीं लगता। बहुत रूड है। एवा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए पॉपसिकल लाई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये चॉकलेट है, तुम्हारी फेवरेट। नहीं, जाओ यहाँ से, ये पिघल जाएगी। हाँ, दोबारा ट्राई करते हैं। हम केविन। ओह, वो चली गई। रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले पेपर में से एक सर्कल काटेंगे, अब इस पर एक चेहरा बनाएंगे। ये हंसने वाला इमोजी होगा, ये क्लासिक है। अब येलो और पिंक सर्कल लेते हैं, इसे इमोजी के ऊपर रखेंगे, ऊपर वाले पर लव हार्ट इमोजी बनाएंगे। ये बहुत क्यूट है, जरा इसे देखो। अब दो और सर्कल्स बनाएंगे और एक और इमोजी बनाएंगे, ये वाला सैड फेस होगा। और खुश हो भी जाओ। इसके ऊपर एक पिंक सर्कल रखेंगे, उल्टा करेंगे और इस पर पॉपसिकल स्टिक चिपका देंगे। मैं बस खुश होना चाहती हूँ। एवा, तुम्हें ये देखना चाहिए। अब ये क्या है, तुम ऐसी लग रही हो, हमें इसे बदलना होगा। वेरी फनी, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। आई लव यू, तुम मेरी बेस्टी हो। अब मुझे शर्म आ रही है। हाँ, मैं जानती हूँ, पर ये फनी है ना? हाँ है तो। माफ कर दो एवा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जरा रुको, तुमने वो देखा? अरे यार, तुम बहुत फनी हो केविन। नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है, ये तुमने बनाया। लगता है यही समय है, अब मैं अपना मास्टरपीस बना सकती हूँ। इसके बारे में लोगों की पुश्तें याद रखेंगी। मैं ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे कलर्स उभर कर आते हैं। मतलब जरा इस येलो को ही देख लो, कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। और अब रेड कलर लेते हैं। इस पार्ट के लिए मैं पेन इस्तेमाल करूँगी। ओह हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा है, अब मेरा काम सब देखेंगे। और अब मैं ग्रीन पेन इस्तेमाल करूँगी। इंक को निकाल लेते हैं। मेरे आर्ट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पर ये मेहनत रंग आएगी। इसे करने में भी एक अलग ही मजा है। हाँ, लगता है हो गया। जी हाँ। हे वेंडी, जरा ये देखो। मैं जो भी हो, मेरी ड्राइंग मेरे मूड के हिसाब से बनी है, मैं बहुत खुश हूँ। वेंडी, तुम ये देख रही हो? ये क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं? मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आने वाला है। मजेदार है ना, जरा देखो। वाओ, तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो गई हो। जरा रुको, ये बटन कहाँ से आ गया? हे मिस सनशाइन, जरा ये देखो। वाह, एक सीक्रेट बटन, मैं ये प्रेस करती हूँ। अरे नहीं, रुको रुको, क्या हुआ? पता नहीं ये क्या करता है, क्या पता कोई जाल हो। मैं फिर भी प्रेस करूँगी। तुमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, शायद ये अच्छा आइडिया नहीं था। अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है? ये कैसे हो गया, हर जगह स्पार्क्स होंगे, हम ये नहीं होने दे सकते। तुम कुछ ज्यादा ही सोच लेती हो। वेंडी देखो, मैं क्या देख रही हूँ, मैं जानती थी ये काम करेगा। क्या तुमने वो बटन प्रेस किया है ना? मुझे कोई पछतावा नहीं है, चलो पेंट करें। तुम बहुत जल्दी में हो। एक सेकेंड रुको, चलो मजा आएगा। ये तुम क्या कर रही हो, ऐसे ही रहो। लगता है मैं समझ गई, मैं इंस्पायर हो चुकी हूँ। तुम क्या पेंट कर रही हो, मैं देखना चाहती हूँ। कितना सुंदर ब्लू है। पहले एक बड़ा सा ब्लू सर्कल पेंट करेंगे। मैं पेपर की जगह ग्लास की शीट इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कलर्स बदलते हैं। अब मैं एक बड़ा सा पर्पल कर्व बनाऊंगी। अभी तक तो ये ठीक है। ये क्या है, क्या है, चलो बताओ ना। दूर रहो, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। हाँ
ठीक है, यही मेरा मौका है, मैं ये ले लेती हूँ। मैं समझी नहीं, मैंने अभी पूरा नहीं किया। ये क्या चीज है? तुम कोई मजाक कर रही हो? रुको, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये ग्लास की शीट इस गीजर पर रखो और मुझ पर भरोसा रखो। इसके ऊपर एक और शीट रखेंगे, बस यही नहीं और भी है। अब मैं तुम्हें हैरान करने वाली हूँ। टडा! बढ़िया चीज है ना? ऐसा लग रहा है ये 3D है, मैं इसे पूरा दिन देख सकती हूँ। तुम्हें कैसा लगा? वाह, कमाल है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं जानती थी। मैं इसका कैसे मुकाबला करूंगी? आहा, मैं समझ गई। पहले एक ब्लैक पेपर के पीस को इस तरह फोल्ड करेंगे, इसका एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाएंगे। ये सही लग रहा है। अब इसे काटेंगे। ये क्या बनेगा? भरोसा रखो, मैं जानती हूँ कैसे करना है। लगता है हो गया। जरा देखो, तुम्हें पसंद आया? पता नहीं ये क्या है, अब पता चला। इसे देखकर किसी की याद आए? ये मेरी तरह लग रही है। अरे वाह, मुझे पसंद आया, हमने एकदम कमाल कर दिया। वो इतनी जल्दी नहीं, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। मुझे मैनिक्योर की जरूरत है, पर ये नेल पॉलिश भी चलेगी। बढ़िया लग रही है। हाँ, मैंने अपने नेल्स खा लिए। ये मैनिक्योर करवाने से भी सस्ता है और अच्छा स्नैक है। जैस्मिन देखो, ओह सुंदर है, पर हमारे पास आर्ट सप्लाईज नहीं है, अब हम क्या करें? मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत सुंदर दिखेगा। क्या कर रही हो? ओह ये तो सच में बढ़िया है। मैं एक पेन से ड्रेस ड्रॉ करूंगी, अब इसमें कलर करेंगे। और अब बारी है मेरी नेल पॉलिश की। मैं स्मार्ट हूँ ना? पागल हो क्या? ये तो सिर्फ नेल पॉलिश है, शांत रहो। ये देखो, इसे पेपर पर डैप करेंगे, ये बिल्कुल पेंट की तरह काम करेगी। पहले ऊपर के हिस्से से शुरू करेंगे और इसे बिल्कुल लाइंस के बीच में ही रखेंगे। अल्टरनेटिंग सेक्शंस को फिल करते रहेंगे, कुछ को पेंट करेंगे और बाकियों को खाली छोड़ते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह। ये बढ़िया लग रहा है, मुझे ऐसी ड्रेस बहुत पसंद है और ये मुझ पर काफी जचेगी। बहुत अनोखी है, शुक्र है मेरा हाथ साफ है। मैं इसे खराब नहीं करना चाहती, पर अब ये पूरा नहीं हुआ। अगले पार्ट के लिए मुझे ग्लिटर चाहिए होगा, इसे ड्रेस पर डालेंगे। अब ये चमकती हुई दिखेगी, जो कि हम सभी को पसंद है ना? अब फालतू का ग्लिटर हटा देंगे। मैंने एक सुंदर सी ड्रेस बनाई है, जरा देखो, मुझे इस पर गर्व है। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया था, पर अब मैं क्या करूँ? ये बहुत मुश्किल है। जरा रुको, चलो फिशिंग करते हैं। ओह ये जगह ठीक लग रही है, मुझे कुछ तो मिला है। क्या? मैं ये तो नहीं ढूंढ रही थी। चलो वापस जाओ लिटिल फिशी, चलो दोबारा ट्राई करें। ओह ये बहुत बड़ी है। और चलो भी, एक पुरानी सॉक, बदबू आ रही है। तीसरी बार कोशिश करते हैं। ये क्या है? टेप का रोल? तभी मुझे फिशिंग पसंद नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं शायद ये इस्तेमाल कर सकती हूँ, ट्राई कर देखते हैं। हाँ मैं जानती हूँ क्या करना है, पहले टेप की एक छोटी स्ट्रिप लेंगे। ये साइज ठीक लग रहा है, मैंने आउटफिट का एक स्केच बना लिया है। अब टेप को स्कर्ट के साथ चिपकाएंगे, अब ऊपर का हिस्सा कलर करेंगे, पिंक का डीप शेड लेंगे, टेक्सचर इफेक्ट बनाएंगे और शेडोज बनाने के लिए अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे, बस ये अच्छा दिखे। ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे प्रोफेशनली करना चाहिए। जैस्मिन तुम्हें ये देखना चाहिए, वाह कमाल है, हम बहुत टैलेंटेड हैं। तुम मानोगी नहीं फिर क्या हुआ, क्रिस ने मुझे मूवी देखने जाने के लिए पूछा। रुको, क्या ये पिज्जा है? वाह ये मेरा फेवरेट है। हाँ ठीक ही है। क्या जैस्मिन, मैं कुछ बढ़िया पकाने वाली हूँ और मेरे पास सारा सामान है, तुम ये सब अपने साथ लेकर घूमती हो? मैं शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती, कौन सी टॉपिंग्स डालूं? ओ लगता है मुझे छींक आ रही है। बहुत धूल है, मैं भूत जैसी लग रही हूँ, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। या हर जगह फ्लावर फैल जाएगा। रुको इतनी जल्दी नहीं जैस्मिन। हाँ ये क्या, ये कहाँ से आ गया? मेरे अपने सीक्रेट्स है, बहुत मजा आने वाला है। रुको मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, पिज्जा को पेपर के पीस के ऊपर उल्टा कर रखेंगे। क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? जरा रुको ना, मैं जानती हूँ क्या करना है, इतना काफी होगा। परफेक्ट, मुझे यही तो चाहिए था।
ग्रीस पेपर पर आ चुकी है। ये कोई आर्ट नहीं लग रहा, पर लगेगा। चलो क्रिएटिव हो जाएं। ग्रीस के आसपास पेंट करेंगे, एक सर्कल बनाना होगा। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है, मैं यहाँ एक और बनाती हूँ। मैं इंस्पायर हो गई हूँ। हाँ, अब क्या करें? ओह, समझ गई। येलो पेंट से इस तरह बनाएंगे। जी हाँ, ऐसा आर्ट जो हम खा पाए। वेंडी, तुम्हें पसंद आएगा। ओह, वो ये तुमने किया? अरे वाह, और मुझे तो बस यहाँ पिज्जा लिखा मिला है। मुझे कुछ ज्यादा चाहिए, और मैं जानती हूँ क्या चाहिए। हाँ, लगता है ये काम करेगा। मैं इस पिज्जा को कुछ खास चीज में बदलने वाली हूँ। लेटर्स को जोड़ देंगे और इसके आसपास पिज्जा का स्लाइस ड्रॉ करेंगे। मुझे टॉपिंग्स भी चाहिए और ये बनेगा इसे पकड़ता हुआ एक हाथ। ये स्लाइस बहुत टेस्टी होगा। मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया। और ये बात है तो ये किसी को खिला भी देते हैं। अपना मुँह खोलो। अब मैं बाकी की डिटेल्स बना देती हूँ, जैसे इसकी आँखें और इसकी बाजू। जी हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो कैसा लगा? नॉम नॉम नॉम। वाह, कितना कूल है। मंच मंच। तुम्हारा नहीं पता, पर मुझे तो भूख लग गई। हाँ? हाँ, ये लड़का कौन है? उसके कपड़े तो देखो। ये आया कहाँ से है? हमें इसे बुलाना चाहिए। हे, कैसे हो? हाथ पे कुछ नहीं है। ओह, एक नहीं तो कोई दोस्ती नहीं। मैं टीचर को बताऊंगा। इंक नहीं है, ये क्या बात हुई? मिस्टर, देख नहीं सकते मैं काम कर रहा हूँ। पहला हो गया, अब क्या है? मम्मी, मुझे स्कूल में कोई पसंद नहीं करता। टैटू के कितने पैसे लगते हैं? नहीं, तुम सोचना भी मत। पर कुछ ऐसा जो परमानेंट ना हो। तुम्हें स्टार्स पसंद है ना? ये नीडल से कम दर्द करेगा। पानी में डिप करें और बहुत सारी शेप्स बनाएं। एक और बार डिप करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे बनाएंगे। देखो कैसे तैर रहे हैं। ओह, जरा रुको। क्या कर रही हो? ओह, रिफ्रेशिंग। क्या ये मैं हूँ? अब मेरी बाजू पर करो, एक स्पाइडर बनाओ। नहीं मॉम, मुझे घर नहीं जाना। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? हे गाइस, ये देखो, मेरी भी टैटूज है। क्या? हे, उसके पास भी है। देखो। वाओ, क्या बात है दोस्त, तुमने ये कैसे बनाए? मेरी मम्मी ने बनाए। तुम्हारी मॉम कितनी कूल है। एक्सक्यूज मी, वापस आओ। बाय। अब मुझे नहीं छोड़ सकती मॉम। मैं एक घंटे के लिए जा रही हूँ स्वीटी। अब खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें फिर मिलती हूँ, ठीक है? अपनी बहन के साथ खेलो। अब ये करना पड़ेगा। इसके चेहरे को तो देखो। कोई बात नहीं, हम खेल लेते हैं। चलो कार्स की रेस लगाएं। हाँ, मैं ये खेल सकती हूँ। मुझे व्हाइट वाली चाहिए। नीचे बैठ जाओ। वो कब तक वापस आएंगी? इसमें ऐसा क्या है? लड़कों को कार्स इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? हे, मैं जानती हूँ। ये और मजेदार कैसे होगा? मैं टेबल पर ड्रॉ करूंगी। तुम पागल हो? बहुत बुरा है। शुक्र है मेरे पास ये है। अरे यार, सब साफ कर दिया। अब हम क्या करें? हर किसी को सॉकर पसंद है ना? चलो भी, ये मजेदार होगा। है, ये देखो, पकड़ो। मिस हो गई, पर मजा आया शायद। है, ये वाली ट्रिक देखो, कूल है ना? नहीं, क्या भी? क्या? तुम फर्नीचर पर ड्रॉ नहीं कर सकती, मैंने कहा ना। सॉरी।
पर मैं जानती हूँ कहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ। दीवार पर इतनी जगह है, ये एक अच्छा मास्टरपीस होगा। तो चलो। मेरी बाजू थक गई है। क्या भी, तुम कहाँ हो? नहीं, हे भगवान, मैं वापस आ गई बच्चों। ये क्या? आप घर आ गई। देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया। तुमने दोबारा उसका ध्यान नहीं रखा। कभी नहीं रखते। रुको, मुझे ही कुछ करना होगा। रेयन को रख दो। क्या भी, ये मत करो, उसे रख दो। क्या? मैं और नहीं सह सकता। वो मेरा फेवरेट क्रेयॉन था। रुको, माफ कर दो। रो मत। क्रेयॉन्स के साथ मस्ती हो जाए। पहले से ब्लेड से शेव कर ले। बहुत सारे कलर्स ले। अब इस पर हाथ रखकर फैला दे। अब इस पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम इसे कहेंगे मिस्टर रेनबो। लाते मत भूलना। लो। कूल है ना? मुझे पसंद आया। मैं ट्राई करूं? बच्चों, मैं घर आ गई। मेरे बिना मजा आया? दोबारा। हाँ, साथ में खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं। जरा सा मैं यहाँ पर लगाता हूँ और शेडिंग करेंगे। मैं लेट कैसे हो गई? क्या भी? हाँ, हाय। माफ करना, मैं आ जाऊँ? ठीक है। थैंक यू। मैंने क्या मिस किया? ध्यान दो। तो क्लास शुरू करो। मैंने सुन लिया। ये भगवान, मैं भी ऐसा बना सकती हूँ पर पेंट से नहीं। इससे काम करना होगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं सामान सारा लाया हूँ ना। एक्सक्यूज मी, एक मिनट को देखो, ये तो इरेजर है। पर मैं इसका क्या करूं? उसका सामान तो देखो, उसके पास कितने ब्रशेस हैं और मेरे पास एक भी नहीं। मैं कुछ सोचती हूँ। तुम मेरे साथ शेयर कर लोगे? क्या मेरा सामान? हाँ, पेंट। मुझे नहीं लगता। वो कितना सेल्फिश है। तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। पर मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं आ रही हूँ। टीचर देख तो नहीं रही ना? बढ़िया, मैं ये लूंगी। इसमें और क्या है? कुछ भी नहीं। बिंगो, पेंट बेबी। अब डेस्क पर वापस चलते हैं। उसका आधा बन चुका है। चलो रेड कलर से शुरू करें। और ब्रशेस ना हो तो फिंगर्स इस्तेमाल करो। और फिंगर्स से काफी अच्छा टेक्सचर आता है। आपको ये पैरेट लग रहा है? ये स्ट्रोक्स फेदर्स की तरह लगेंगे। देखो अब ये बन रहा है। कितना असली लग रहा है ना? ओह, ठीक है, चलो रख दो। क्लास, जस्टिन तैयार है? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है जस्टिन, अपना दिखाओगे अभी? और इसमें ब्रशेस की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या बात है, ब्रावो गैबी। अच्छा, थैंक यू। नो हार्ड फीलिंग्स। बहुत अच्छे, आर्टिस्ट होने के फायदे। हाँ, मैं अर्जुन के साथ काम करूंगा। ऑरेंज और ग्रीन नहीं, अच्छा नहीं है। वो येलो का कितना अच्छा शेड है। ये जगह ठीक है। खूबसूरत, मुझे इसका ध्यान अपनी तरफ लेना होगा। परफेक्ट, पर ये फूल मेरे नहीं है।
बिल्कुल, मैं वहाँ से एक खरीद लेता हूँ। पर ये कोई सस्ते नहीं आते है ना? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हूँ तो गरीब ही। यहाँ कुछ है बस पेंट ही पेंट है, तो मैं क्या करूँ? अरे मुझे तो यही चाहिए। औरतों को फूल पसंद होते हैं है ना, चाहे वो एक पेज पर ही पेंटेड हो। अपनी उंगलियों से कलर्स को लेयर करें और जबरदस्त डिजाइन बनाएं। इन अनोखे स्ट्रोक्स को तो देखो, बीच में थोड़ा व्हाइट और येलो ग्रीन से ये निखर कर आएगा। ये अभी तक का मेरा सबसे अच्छा पीस है, तो चलो। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे जितने ही सुंदर है। वाह, ये मेरे लिए है? बिल्कुल। थैंक यू। जरा मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया? मैं काम कर रही हूँ। तुम बिल्कुल पढ़ाकू हो, अगर ध्यान दे देती तो टेस्ट में पास हो जाती। कैंडी खाना ज्यादा मजेदार है। हाँ, ये क्या हो रहा है? कैंडी मेरी क्लास में? ये क्या है? एक वॉर्म। अब क्या करें? मिल गए। ओ चलो भी। डोरेमी मैं तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल, ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ। वो मुझे दिख रहा है, तुम्हें लिपस्टिक लगा दे। रुको, कॉल आ रहा है। सच में? हेलो, ये कैसा मजाक है? फिर उसने क्या किया? मैं आ रही हूँ, शो का टाइम हो गया, हमें चलना होगा। ओह हाँ बिल्कुल। रुको, मैं ऐसे नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूं? हे मेकअप लेडी, वापस आओ। अब क्या होगा? खुद लगाऊं? कितना ही मुश्किल होगा। अभी तक तो सब ठीक है। ये कैसा मजाक है, मैं क्लाउन जैसी लग रही हूँ। हाँ चलो अलग तरीके से ट्राई करते हैं, बस ये काम कर जाए। योगा क्लासेस काम आ रही हैं। समझ गया, मैं उसे ला रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये क्या, हमें थोड़ा समय लग जाएगा। मैं अपना मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ। वो इतनी जल्दी नहीं, हम क्या कर सकते हैं? बढ़िया, जैकेट पर लूज थ्रेड है, जरा रुको, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है? तुम ये क्या कर रहे हो? थ्रेड को लिपस्टिक पर लगाएंगे, इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। अब लिप्स के पास आउटलाइन बना लेंगे, नीचे की तरफ भी। अब लिप्स को फिल कर देंगे। लो हो गया। वाह कमाल का लग रहा है, मैं अपने पोस्टर जैसी लग रही हूँ। परफेक्ट। क्या मतलब शो स्टार्ट हो गया? मिनी मेरे साथ है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ आ रही हूँ। क्या दिन है। मैं वहाँ जाकर बैठती हूँ। वाह कितना खूबसूरत है, मुझे नेचर में रहना पसंद है। ओह प्यारा सा स्क्वायरो। हे प्यारी दोस्त। ओह मैं तुम्हें पेंट करती हूँ है ना, मत। उप्स बच गए, माफ करना, बस एक मिनट, बेंच पर ही लेट जाओ। रुक जाओ, नहीं कुछ काम नहीं कर रहा, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही, ये इतना मुश्किल क्यों है? ओह बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह ये पिज्जा कितना यम्मी है, मैं मदद करूं? हाय, मुझे वो बॉक्स दे दोगी? मैं इसके पैसे दूंगी। बिल्कुल, पर पिज्जा नहीं। मैं और पिज्जा खरीद सकती हूँ, आज का दिन तो लकी है। मुझे यही तो चाहिए,
इसे ढक्कन के साथ लगा देंगे। अब इसके ऊपर पेपर लगा देंगे। ये आर्टिस्ट के ईजल जैसा है। अब मैं इसे पेंट कर सकती हूँ। मैं पिज्जा लेडी को पेंट करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पोर्ट्रेट्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। हे, तुम अच्छी मॉडल हो। तुमने क्या कहा? तुम मुझे पेंट कर रही हो? जरा मुझे दिखाओ। शांति से देख लेती हूँ। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा। ये तो एक मास्टरपीस है। वाह, तुमने मुझे डरा दिया। ये तुम हो। तुम्हें पसंद आए? बहुत पसंद आए। मैं इसे खरीद सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक्स, तुम तो एक आर्टिस्ट हो। तुम बहुत अच्छी हो। हे भगवान, वो इन्हें तो देखो। हाँ, ओह हाय मिंडी, तुम्हारे शूज बहुत क्यूट हैं। बताओ ये कहाँ से लाई हो? मैं मदद कर दूँ? वो मैं भूल ही गई थी। तुम्हें मेरे शूज कैसे लगे? वाह, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे जलन हो रही है। तुम बहुत अच्छी हो। ये मेरे टॉप के साथ जा रहे हैं। हे गर्ल्स, ये शेड लाजवाब है। क्या हुआ? क्या ये तुम्हारे शूज हैं? बहुत ही बेकार। शर्म नहीं आ रही? मैं तो ये कभी नहीं पहनूंगी। हाँ बिल्कुल, मुझे तो पसंद है। मेरे कपड़ों के साथ भी अच्छे लग रहे हैं। जो भी हो, ये क्या था? शायद मैंने किसी चीज पर पैर रख दिया। ओह, ये तो पेंसिल है। मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती या कर सकती हूँ? मैं दिखाती हूँ। ये रही पेंसिल्स, इनसे मेरे शूज अपग्रेड हो सकते हैं। पेंसिल्स पर ग्लू लगाएंगे, पहले एक तरफ, अब इसे शू की हील पर लगा देंगे। बाकी पेंसिल्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे। पूरी हील कवर कर लेंगे और जैसे जैसे हील बढ़ती जाएगी बड़ी पेंसिल्स लगाते जाएंगे। अब ये आखिरी बाकी है। वाह, कितना कलरफुल है। अब शू को भी कलर करते हैं और दूसरे वाले को भी। नए कौन खरीदेगा? अब मैं इसे पहन कर देखती हूँ। ये देखो, मैं बाद में शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तुम भी चलो। हे भगवान, ये शूज तो देखो। तुम्हें कैसा लगा गर्ल्स? अच्छी लग रही हो ना? मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी। वाह, मजा आ गया। हाँ, अब नाप देख लेती हूँ। हे जेनिफर, मुझे बहुत भूख लगी है। टीवी ऑन कर दूँ? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं डाइट पर हूँ। खुशबू बहुत अच्छी है। रुको, जाओ यहाँ से। ठीक है। ओह, जरा वो देखो, इतना बड़ा टेडी बियर। मेरे पास एक आइडिया है। पहले बियर में कट लगाएंगे, अब इसमें स्नैक्स भर देंगे। इससे छिपे रहेंगे, जेनिफर को ये नहीं दिखने चाहिए। और मैं सारे खा जाऊंगी। कैंडी ना खाने के लिए शुक्रिया। ओह हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मिंडी, ये आवाज कैसी है? हो क्या रहा है? मैं टेडी को हग कर रही हूँ। बहुत प्यारा है। बच गए। तो ठीक है क्लास, जरा ध्यान दो। आज हमारा एक टेस्ट है। ना बातें होंगी, ना चीटिंग। मैं देख रही हूँ, तुम शुरू कर लो। सब ठीक रहेगा, मैं पेन निकाल लेती हूँ। ओ नहीं, पेंसिल केस तो खुल ही नहीं रहा। चलो भी, खुल जाओ, ये ठीक नहीं हुआ। शायद जेनिफर मदद करे। क्या तुम्हारे पास और पेन है? प्लीज दे दो। नहीं, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वो ठीक है। मिंडी, मैंने क्या कहा? माफ कर दो मिस। अब मैं क्या करूँ? मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और फिर मुझे एफ मिल गया। अब मुझे देखो, आज भी बहुत पैसे खर्च लिए। ओह, जरा इस गरीब लड़की को देखो। तुम्हारे पास चेंज है? प्लीज। ठीक है, देखने दो।
इतने काफी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे एफ नहीं मिलेगा। जरा रुको, मैं पेपर क्लिप इस्तेमाल कर सकती हूँ। पेपर क्लिप को टेबल पर लगा देंगे। अब ग्लू गन चाहिए। पेपर क्लिप में ग्लू लगा देंगे। मैंने ग्लिटर ग्लू लिया है क्योंकि क्यूट लगती है। इस सेक्शन को फिल कर देंगे और सेट होने देंगे। पेपर क्लिप के कोने को जिपर पर लगा देंगे। हाँ, ये खुल गया, शांति मिली। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? समझ गए, थोड़ा आर्ट हो जाए। पहले ऑरेंज पेंट से शुरू करेंगे। आर्ट मजेदार है, जब आप क्रिएटिव हो तो बोर होना मुश्किल है, कुछ पीते रहना चाहिए। ओह नहीं, मैं क्या सोच रही थी, मेरी उंगलियों पर पेंट लग गया। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूं? पेंट पूरे ग्लास पर लग गया। रुको, मैं तो जीनियस हूँ। जी हाँ, एक साफ ग्लास से शुरू करते हैं और उंगली से पेंट लगाते हैं, इतना काफी होगा। अब मैं ऊपर की तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाऊंगी। बढ़िया, और थोड़ी और। अब इन कलर डैब्स के नीचे थोड़ा सा मार्कर लगाएंगे। ये हो गया, कितना प्यारा है। ऐसा लग रहा है मेरे ग्लास के आसपास लाइट्स लग गई। ये पहले से बहुत सुंदर दिख रहा है, मैंने ये बना कैसे लिया? चलो थोड़ा और जूस पिए, मैं इसी की बात कर रही थी। Hey! तुम्हें मेरी नई जैकेट कैसी लगी? मैंने ये सेल से ली है, ये 50% ऑफ पर थी। ये अच्छी है ना? हाँ, बढ़िया है, समझ गई। पर मेरी नई जैकेट तो देखो। तुम्हें मेरा नया फोन केस कैसा लगा? स्पार्कल्स पुरानी हो चुकी है, मेरे पास पॉपेट्स है। जो भी है, मेरे पास ये नोटबुक भी है और ये स्टिकर से सजी हुई है, हार्ट्स और स्टार्स और एक आइसक्रीम ट्रीट भी। क्या? मेरी नोटबुक इतनी बोरिंग और प्लेन है, ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। मैं कुछ तो कर सकती हूँ। ये रही मार्कर्स। रुको, मेरे पास एक प्लान है। ये रहे मार्कर्स और एक नाइफ। पहले हम इसकी टिप काट देंगे, अब थोड़े से कट्स लगाएंगे ताकि ये हार्ट जैसा दिखे। हाँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम नोटबुक लेंगे और इस स्टैम्प की मदद से, मैं सिर्फ हार्ट्स तक ही नहीं रहना चाहती। ये देखो, अब यहाँ पर हार्ट्स और स्टार्स भी है। देखा, मेरी नोटबुक पर भी ये है और मुझे स्टिकर्स की जरूरत नहीं पड़ी। वो तुमने ये कैसे बना दिया? उस स्क्वाडल को बोलो मेरी आइसक्रीम वापस देकर जाए, इस रोड से नहीं जाऊंगी। हाँ, चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट में सबसे अच्छा हूँ। पेंटिंग मजेदार है। ओह नहीं, उसके कंप्यूटर पर पेंट लग गया। समझ गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ। रुको, ये तो फैल रहा है। ओह नहीं, ये तो और भी गड़बड़ हो गई। ये पूरा पिंक हो गया, वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगी। फूट गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, मुझे शक हो रहा है। एक सेकंड रुको। मेरा लैपटॉप, इसे क्या हो गया? तुमने इस पर पिंक कलर कर दिया। वहाँ क्या है? एक स्ट्रॉ। रुको, मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। हाँ, ये रहा मेरा खराब हुआ हुआ लैपटॉप। मुझे और पेंट चाहिए। जी हाँ, और ज्यादा पेंट लगाना ही इसका हल है। व्हाइट और येलो भी, और थोड़ा पर्पल, कितना सुंदर है। अब हम इसमें थोड़ा ब्राउनिश येलो डालेंगे। हाँ, अब स्ट्रॉ की बारी है, इस पेंट पर फूंक मारना शुरू करेंगे। लैपटॉप के ऊपर इसे फैलाने के लिए हवा का इस्तेमाल करेंगे। बस करते जाए, अलग अलग कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और इन पैटर्न्स और टेक्सचर से कितना कूल लग रहा है। वाह, ये तो एक जबरदस्त आर्टवर्क बन चुका है, कितना खूबसूरत है। मुझे समुद्र की लहरें याद आ रही हैं। ये इतना प्यारा बन कैसे गया? वाह, इस कंप्यूटर को देखो, कितना कूल है। मैंने सारा खाना इकट्ठा कर लिया। नहीं, ये गिर गया। ओ नहीं, मैं इसमें कितना बुरा हूँ। रुको, क्या वहाँ पेंट है? हाँ,
हाँ ये पेंट है और एक ईजल। वो इसे यही छोड़ गई। मुझे अब आर्ट करना है। क्या वो यही कहीं है? मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। नहीं दरवाजा बंद है। चलो पेंटिंग शुरू करें। ये पिंक कलर मुझे पसंद है। कितना सुंदर है। मैं पेंटिंग में माहिर हूँ। सबसे अच्छा। हाँ सारा सामान मिल गया। क्या ये क्या है? हाय देखो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। ये अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ? वो कैनवस तो खराब कर ही चुका है। हाँ मेरे पास इसका हल है। जी हाँ ये रहा कैनवस। एक परफेक्ट एड। अब पेंट के बारे जो रंग उसने इस्तेमाल किया मैं भी वही करूँगी। यहाँ ब्लू, मुझे और ब्लू चाहिए और येलो भी। सारे रंग। इस स्पॉन्ज से थोड़ी सफाई हो जाए। मजाक कर रही हूँ, ये आर्ट का ही हिस्सा है। मैं इस स्पॉन्ज से सारे पेंट कलर्स को डैब करूँगी। अगर टेप पे भी लग जाए तो कोई बात नहीं। ये डैबिंग करना तो बहुत मजेदार निकला पर इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर आप करना भी चाहें तो भी नहीं। ये देखो मैंने पूरे कैनवस पर पेंट कर ही दिया। तो चलो अब टेप उतारेंगे और ये निकल गए। वाह कितना सुंदर लग रहा है। वाह शानदार। तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। एक मेरे लिए भी बना दो। ये यान कैसे उलझ गए? वाह ग्रैंडमा देखो। ओह नहीं मेरी यान। ये क्या हो गया? नहीं 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 मेरा आर्ट ये पूरा खराब हो गया। ग्रैंडमा ये आपकी यान ने क्या कर दिया? रुको यान यान बिल्कुल। ये पेंट में अभी से डूब चुकी है। मैं कर सकता हूँ। जी हाँ ब्लैक पेंट कैनवस पर पहले से है और अब लेंगे थोड़ी गोल्ड पेंटेड यान। मैंने कैनवस के ऊपर इसे लगा दिया है। थोड़ी और यहाँ लगाएंगे। तो चलो पूरे पीस पर। अब हम कुछ यान एंड टेप से जोड़ देंगे जब पर पेंट ना हो। तैयार हो? चलो अब कैनवस को ऊपर की तरफ खींचो। ये देखो यान इसमें से निकल गयी। ये आर्टवर्क का पीस बहुत शानदार है। तुम ग्रैंडमा के बेस्ट आर्टिस्ट हो। ये मेरी अभी तक की सबसे अच्छी पेंटिंग है। वो बहुत खूबसूरत है। देखते हैं मैं उसे अपनी टैलेंट से इम्प्रेस कर पाता हूँ या नहीं। इस ब्लू से शुरू करेंगे। मुझे और भी रंग चाहिए होंगे। इस हार्ट में पिंक कलर करेंगे। देखो उसे इस पेंटिंग से मेरा मैसेज मिल जाएगा। शायद उसे ये पसंद आए। तुमने ये मेरे लिए बनाया है? निकलो यहाँ से। आउच नहीं मैं नहीं चाहता ऐसा हो। हाँ ये बकवास है। रुको क्या? ओह नहीं मेरे पूरे हाथों पर पेंट लग गया। आज का दिन बहुत ही बुरा जा रहा है। इससे पहले मैं गड़बड़ कर दूं मैं पेंट धो लेता हूँ। साबुन तो चाहिए ही होगा। एक सेकंड रुको। वाह ये देखो सर्च पर पेंट लग गया है। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ये रहा पानी का बोल और मेरा डिश सोप। और बिल्कुल मुझे थोड़ा पेंट भी डालना होगा। इसे पॉपसिकल स्टिक्स से मिक्स कर दे। तो चलो ये थोड़ा सर्ट सी हो गया है पर हमें और बबल्स चाहिए। अब स्ट्रॉ से इसमें फूंक मारते हैं। वाह इन बबल्स को तो देखो ये आए ही जा रहे हैं। जी हाँ तुम्हारा काम पूरा हुआ स्ट्रॉ। अब बबल्स पर पेपर रख देंगे और इसी तरह। वाह बबल्स पेपर पर आ गए। हाय मैंने तुम्हारे लिए ये कार्ड बनाया है। तुमने ये मेरे लिए बनाया? वाह मुझे पसंद आया। बहुत खूबसूरत है। हे भगवान मेरे साथ क्लास तक चलोगे? ये तो काम किया। तो क्लास टेस्ट का समय है। मैं तुम्हारी चीट शीट्स लेने आ रही हूँ। हाँ चलो दो। छुपाने की कोशिश मत करना। ठीक है। हाँ ये लो। टीचर इस तरफ आ रही है। रुको मैं जानती हूँ क्या करना है। मुझे इसे छिपाना होगा। इयररिंग से ये वाला हिस्सा खोल लेंगे। इस छोटे से चीट शीट पर इक्वेशंस लिखी है। इसे और छोटा करने के लिए फोल्ड करेंगे और अब इसे फोन के अंदर डाल देंगे। हाँ अब फोन के साथ मैं टेस्ट पूरा कर सकती हूँ। चलो अपना फोन दे दो मुझे देखना होगा। लगता है सब ठीक है। ये लो। अरे हाँ वो चली गई। अब मैं अपना फोन खोल सकती हूँ। मैं बहुत तेज हूँ और अब मेरे पास चीट शीट वापस आ गई। मैं इसमें माहिर हूँ।
इस जंगल में कितने पेड़ हैं? ओह, टाइम क्या हुआ? हे भगवान, देखते हैं सब क्लास के लिए तैयार हैं? ओह, लगता तो नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये रहे तुम्हारे कैंपसेस। जैसा बोर्ड पर बना है बिल्कुल वैसा सर्कल बनाओ। चलो एक एक कर कर आओ और ये ले जाओ, जल्दी करो। अरे यार, अब हमें क्लास में भी ये सब करना होगा। चलो जल्दी से एक एक लो और जो मैंने कहा वो करो। हे रुको, मेरे लिए तो बचा ही नहीं। हाँ, ये क्या है? वो दोबारा सो गई। अब मैं क्या करूँ? बहुत बुरा हुआ, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सर्कल कैसे बनाऊँ? मेरे पास तो टूल्स में सिर्फ ये रूलर है। समझ नहीं आया ये काम कैसे करेगा। ये बकवास चीज तो काम ही नहीं करती। मैं इससे सर्कल नहीं बना सकता। ये क्या? जेक के पास है पर उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है। ये चीज इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है। बकवास। वाह, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हे, मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले से खोलेंगे और ये देखो, कर लिया। हाँ, शायद हम इस रूलर के साथ कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ प्रेस करूँ तो? ओह नहीं, ये काम नहीं किया। अगर मैं ये बिना रूलर के ही कर लूँ तो? ये भी नहीं चलेगा। चलो भी रूलर, मेरी मदद करो। हाँ, शायद मैं जानती हूँ क्या करना है। इस रूलर पर हर 2 इंच के बाद मार्क करेंगे, बिल्कुल आखिर तक। बढ़िया, अब हर डॉट पर एक होल पंच करना है। परफेक्ट, चलो इसे ट्राई करें। रूलर को रखेंगे और बीच वाले होल में पेंसिल रखेंगे और इसे घुमाएंगे। बाजू को इस तरह रखकर इसे पूरा कर लेंगे। हो गया। और ये काम किया। हे भगवान, तुमने परफेक्ट सर्कल बनाया। रुको, क्या आप मेरे लिए कंपास अब लेकर आए हो? बहुत बढ़िया। ओह, क्या बकवास है। मुझे ये पढ़ना पसंद नहीं है। मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आती। बहुत हुआ, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। ये क्या चीज है? ये एक स्टफ्ड टॉय है, तुम्हारे लिए। मेरे साथ खेलोगी? नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे पास अभी बहुत सारा होमवर्क बाकी है। काश मैं अभी सो पाती, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ओप्स, मैं तो गई। अब बस ये काम करना है। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? इससे बुरा टेस्ट मैंने कभी नहीं देखा। मैं पढ़ते हुए सो गई। अब मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगी। हाँ, मॉर्निंग, मेरा बलून पसंद आया, मेरे साथ खेलोगी? देखो मैंने बलून पर रिबन लगाया ताकि ये उड़े ना। हे, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। ये रहा बलून और ये रहा मार्कर, इस पर इक्वेशंस बनाएंगे। अब बस मुझे इसकी हवा निकालनी है। हाँ, अब ये छोटा हो गया। इसके ऊपर एक टेप लगा देंगे। बलून को ढंग से पकड़ कर अब टेप हटा देंगे। आखिरकार अब मैं इसे अपनी नेल पर लगा लेती हूँ। ये तो फिट आ गया। हाँ, इस निफ्टी इक्वेशन के साथ मैथ का टेस्ट पास करते हैं। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, मैं बहुत तेज हूँ। देखते हैं वो चीटिंग तो नहीं कर रही। कोई चीट चीट नहीं है। ठीक है, मुझे ध्यान से देखने दो। मुझे अपनी फ्लैश लाइट चाहिए। हे, मेरी तरफ देखो और अपना मुँह खोलो। हाँ, तुम ठीक हो, चीट नहीं कर रही। बाल बाल बचे, पर मैं बेस्ट हूँ। और ये देखो तो क्लास, ये नया पाउडर कितना अच्छा है ना, पूरा दिन चलता है। चलो साथ में एक सेल्फी ले। वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसी शेरो, बहुत हुआ, अलग अलग हो जाओ अभी के अभी। नहीं, प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी शेरो, इतने पास होकर भी इतनी दूरियाँ। हाँ, यहाँ तुम पढ़ने आते हो। पिस्ट, पिस्ट। क्या क्या हुआ? हम अपने फोन से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओह हाँ, ये बढ़ गया है। मैं करती हूँ, यही रुक जाओ। तुम्हें मैं छोटी बच्चे लगती हूँ, फोन नहीं मिलेगा। तुम्हारा भी मैं ले रही हूँ। जी हाँ, क्लास के बाद वापस ले लेना। अब काम कर लो, और मेरी नजरें तुम पर हैं। चलो मैं ट्राई करती हूँ इसे इकट्ठा कर। शेरो, ये तुम्हारे लिए है। ओह नहीं, वो तो बहुत दूर गिर गया। उसने कुछ देखा? ओह, लगता है वो अपनी बुक पढ़ रही है। हम लकी हैं। हाँ, अब मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। ये रहा प्लास्टिक कप, इसे उल्टा करेंगे, नीचे का हिस्सा काटेंगे। अब एक बलून चाहिए। अब इसके कोने को इस तरह काट देंगे। अब इसे खोल कर कप के ऊपर लगा देते हैं। शानदार। अब मैं अपना छोटा सा मैसेज कैनन ट्राई करती हूँ। इसके अंदर मैसेज रखकर बलून को खींचेंगे और छोड़ देंगे। वो, ये मैसेज मेरे लिए है। खोल कर देखती हूँ।
तुम कैसे हो? उसने मैसेज मुझे भेजा है। हाँ, ये काम किया। तो उसने भी मुझे वापस मैसेज भेजा। इस पर क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो, मुझे भी मैसेज कैनन बनाना आता है। मैं पहुँच नहीं पा रही, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इतनी छोटी हूँ। पेंसिल केस चाहिए। अरे यार, मैं इतनी छोटी क्यों हूँ, कहीं भी पहुँच नहीं पाती। वो देख नहीं सकते मैं अभी पढ़ रही हूँ। ठीक है, वो रही। हाय यसी। ओह हाय, तो तुम कैसे हो? ओह वाह, तुम तो बहुत बहुत लंबे हो। हाय, कैसे हो? खैर, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? हे, बड़ा जल्दी आओगे? चलो आओ, मैं नीचे हूँ। हाँ, मुझे मेगा फोन चाहिए होगा। हे, मुझे किस करने के लिए थोड़ा और नीचे झुको। मैं यूकेलेले सॉन्ग बजाती हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा। एक सेकंड रुको, यहाँ पर कलर्ड पेंसिल्स हैं, ये काम आ सकता है। मुझे फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। पहले स्क्रैप्स निकाल देंगे। अब थोड़ी हॉट ग्लू चाहिए, बस थोड़ा सा लगाएंगे। अब बस ग्लू के ऊपर पेंसिल लगा देंगे और ऐसे ही लगाते जाए। हाँ, नीचे का हिस्सा पूरा हुआ। अब ऊपर की तरफ एक बीच में लगाएंगे और एक नई स्क्रैप लगाकर इसे घुमा देंगे। इसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म सैंडल्स। चलो पहन कर देखते हैं काम करेगा या नहीं। हाँ, अब मैं उसे किस कर सकती हूँ। रुको, ये क्या कर रहा है? ना समय हो गया। हे, उठो। खैर छोड़ो, ये सब भूल जाते हैं। हाँ, क्या? मैं जाग गया। ओह हाँ, किस? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भी ये करना चाहती हूँ। चलो, हमें यहाँ अपने नाम लिखने हैं। हे रुको, पहले मुझे अपना लिखने दो, ये मेरी जगह है। ये मेरी जगह है। मेरे रास्ते से हटो। जो भी है, तुम्हारे लिए वोट करेगा भी कौन? ने प्रॉम क्वीन के नॉमिनेशन। चलो मेरे साथ साइन अप करो। हाँ ठीक है, चलो चले। अगर हम में से कोई प्रॉम क्वीन बन गई तो? रुको जरा, मैं अपना पेन निकालती हूँ। ये रहा, अब मैं साइन करूंगी। ये क्या? अरे नहीं, ये चल नहीं रहा। ओ, रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैग में बनाना है। रुको, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ये लो, इस बार तो मिल गया। हाँ रुको, मैं ये नहीं ढूंढ रही थी। वाह, थोड़ा मत पाना, पर कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। नहीं, मैं जानती हूँ, मैंने कल रात को ही उसका एपिसोड देखा है। ये क्या बकवास है? हाँ बहुत हुआ, मैं पूरा बैग ही पलटा देती हूँ। रुको, क्या ये जूस का एक और कंटेनर है? हे, मुझे लगता है इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। हाँ, हम ये खाली जूस का कंटेनर लेंगे और इसे काटेंगे। अब ऊपर का हिस्सा हटा देंगे ताकि हम कैंची से इसके कोने काट सके। हमें इसे पूरा काटना होगा। अब दूसरे कोनों से भी काटेंगे ताकि ये इस तरह खुल जाए। ये जूस बॉक्स जैसा नहीं दिखना चाहिए, तो इस पिंक पेपर से इसे कवर कर देंगे। इसे उल्टा कर ग्लू स्टिक लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्लू लगाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद हम इसके ऊपर ऑरेंज पेपर लगा देंगे। अब बहुत सारी हॉट ग्लू चाहिए, क्योंकि ये काम ग्लू स्टिक का नहीं है। ऐसा ही एक और लगाएंगे, लेकिन इस तरह घुमाकर। अब और हॉट ग्लू लगाएंगे, पर इस बार कोनों पर, और ज्यादा नहीं, क्योंकि बस ये छोटी छोटी प्लास्टिक के पीस लगाने हैं। इस तरह मैग्नेट स्ट्रिप्स लगाएंगे। टाडा, मैंने पेंसिल और सप्लाईज होल्डर बना दिया। इलास्टिक में मार्कर्स रहेंगे और थोड़े पोस्टेड नोट्स यहाँ पर। मैग्नेट पर पेपर क्लिप्स आएंगे। जब ये सब फिल हो जाए तो इसे फोल्ड कर देंगे। पहले अंदर का हिस्सा फोल्ड करेंगे और फिर बाहर का हिस्सा करेंगे। अब जो हमने ढक्कन हटाया था उसे वापस लगा देंगे। हे, देखो मैंने क्या बनाया। ये क्या है? मैं इसे खोलूं? ठीक है। अरे वाह, देखा, अब सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब मैं प्रॉम क्वीन के लिए साइन अप कर देती हूँ। देखो, ओह, सबका ध्यान उस पर है। मैंने उससे कूल सप्लाई होल्डर कभी नहीं देखा। कितनी मजेदार पार्टी है। यही रुक जाओ, खाना पीना नहीं ले जा सकते। क्या? पर मेरी केक पॉप। ठीक है, मैं रख दूंगी, ये बहुत बकवास है। मुझे इसे खाना होगा। एक सेकेंड, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। चलो स्प्रिंकल्स, मेरे ऊपर आ जाओ, ये बहुत मजेदार होगा। जी हाँ, मुझे उठ जाना चाहिए, इतना काफी होगा। तो चलो स्प्रिंकल्स वाला मेकअप, अब पार्टी में चलते हैं। हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ओह वाह, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, चलो जाओ। कितना बढ़िया म्यूजिक है, अब कोई दिख तो नहीं रहा, थोड़ा मीठा हो जाए।
स्वादिष्ट है और किसी को पता भी नहीं चला। जी हाँ, कैंडी खोल ली गई है और लगता है ये काफी है। नहीं, ये आप अंदर नहीं ले जा सकती। अरे नहीं, मेरी स्वादिष्ट कैंडी। हाँ, तुम्हारी कैंडी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अरे यार, मेरी कैंडी तो पिघलना भी शुरू हो गई। एक सेकेंड, शायद ये ब्रेड काम करे। हाँ, मैं इससे कुछ ना कुछ बना सकती हूँ। इन कैंडीज को फ्लैट कर देते हैं। अब इस रोलर से कैंडी को काटेंगे। दो तरफ से दो दो कट। अब एक कोना लेंगे और सबको साथ में लगा देंगे। लो, ये नहीं सारी। अब इन्हें रोल करना होगा। बढ़िया, अब रोलर की बारी। हम इसे बीच से काटेंगे। बढ़िया, अब मैं इसे ब्रेड पर लगा दूंगी। ये फूल जैसा लग रहा है। पेटल्स को थोड़ा फैला देते हैं। और ये हो गया, कितना प्यारा है। अब इसे मैं अपने बालों पर लगा लेती हूँ। तो चलो, ये अच्छे से हो गया। हाँ, अब मैं पार्टी में वापस जाने की कोशिश करती हूँ। जरा तुम्हें देखने दो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रुको, तुम्हारे सर पर क्या है? बस दो ब्रेड्स। तुम जा सकती हो। हाँ, मैंने कर दिखाया। अब स्नैक की बारी। एकदम स्वादिष्ट। और मैं इसे बाद के लिए बचा लेती हूँ। रुको, तुम्हारे पास कोई खाने की चीज तो नहीं है? ओह, वो इतनी लेट क्यों है? वो कहाँ है? सरप्राइज, मैं यहाँ हूँ। हैप्पी बर्थडे। ये? हाँ, चलो चले। सच में? तुम साइंस देख सकते हो, तुम केक अंदर नहीं ले जा सकते। क्या? ये तो गलत है। रुको, मेरे साथ आओ। देखो, मैंने केक को हार्ट में बदल दिया। वाह, देखो ये कितना प्यारा है। ये बहुत अच्छा रहेगा। चलो चले। तुम दोबारा आ गई। तुम अभी भी खाना ले जाने की कोशिश कर रही हो? मुझे तुम्हें देखने दो। ओ, मुझे तुम्हारी हैट पसंद आई, प्यारी है। हाँ, सब ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ, ये काम किया। चलो चलकर मजे करें। वो क्लब में बर्थडे पार्टी। हाँ, केक खाना शुरू करते हैं। यम, ये केक बहुत अच्छा है। केक बाइट लो। हाँ बिल्कुल, ये लो। बहुत अच्छा केक है। मेरा इस बार का बर्थडे बढ़िया रहा। इसमें बहुत समय लग रहा है। ये क्या है? ओ नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा। ओ नहीं, वो बहुत गुस्से में है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास खाना भी है। मैं अपनी कैंडी फेंकना नहीं चाहती। ठीक है, शायद मुझे इसे अभी ही खाना होगा। इसे अपने मुंह में भर लेती हूँ। हाँ, एक हो गई। अब अगली। मैं सारी एकदम से कैसे खाऊं? उसने उसे दूर भगा दिया। हे रुको, मैं अपनी कैंडी छिपा कर ले जा सकती हूँ। ठीक है, पहले हम नेक टाई उतार लेंगे और अब लेंगे हमारी ग्लू गन। बस पीछे की तरफ थोड़ी ग्लू लगाएंगे। बढ़िया, अब थोड़ा इलास्टिक। हम बिल्कुल नीचे तक इलास्टिक स्ट्रिप्स लगाते जाएंगे। बढ़िया, अब इसमें हमारे कैंडी बार्स आ जाएंगे। देखो, ये सारे फिट आ गए। मैं अब टाई लगाऊंगी और शायद अब मैं तैयार हूँ। क्या तुम भी उस लड़के की तरह कैंडी अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हो? पता नहीं, पर तुम थोड़ी अलग लग रही हो। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से सब पता चल जाएगा। हे, हम दोनों ने सेम टाई पहनी है। शानदार पसंद है। खैर, तुम्हारी क्लास अच्छी रहे। मैंने कर दिखाया। आप कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, मतलब मैं कैंडी बार खा सकती हूँ। मैं कौन सा वाला खाऊं? हाँ, ये वाला मैं इसे निकाल लूंगी। दूसरा वाला हम बाद में खाएंगे। जी हाँ, थोड़ी चॉकलेट खाते हैं। छिपाए हुए चॉकलेट का टेस्ट और ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, तुम सबके सब कितनी अच्छी कैंडीज हो। ओ नहीं, वो स्नैक्स देख रही है। लगता है उसके हाथ में कोई मैजिक फूड फाइंडिंग वॉन्ड है। नहीं, कैंडी नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी कैंडी बेबीज नहीं खोना चाहती। मुझे इन्हें कहीं छिपाना होगा ताकि वो ना ढूंढ पाए।
ये मेरे शूज में फिट आ जाए। हाँ, या फिर शर्ट में, या फिर शर्ट में घुसा लेती हूँ। मेरा कोई प्लान काम नहीं कर रहा। ओह, ये बुक्स बहुत भारी है। नहीं, मेरा ग्लोब, ये टूट गया। अब हम क्या करें? ठीक है, यही रहो ग्लोब, मैं अभी आती हूँ। हे, ये ग्लोब ही काम आएगा। तो ग्लोब, तुम मेरे साथ आ रहे हो। हेलो मैम, मैं क्लास के लिए तैयार हूँ। खैर, मुझे तुम्हें पहले स्कैन करना होगा। ओह, काश मेरा प्लान काम कर जाए। लगता है सब ठीक है। हाँ, तुम जा सकती हो। ग्लोब लाकर तुमने अच्छा किया। देखते हैं टीचर का सिर उस तरफ है। ग्लोब को खोलकर स्नैक खाते हैं। और मैं इसे बंद कर देती हूँ। हाँ, ये सबसे अच्छा कैंडी बार है। तुम्हें पता है हमारी क्लास को क्या चाहिए? स्नैक। वो मुझे नहीं देख रही, तो यही मौका है। ये आवाज कैसी? उन्हीं। हाँ, मेरे पास कैंडी है। क्या, तुमने रूल ब्रेक किया? मुझे नहीं लगता था कि ये तुम करोगी। ये मुझे दो। चॉक खाते हैं। वाह, उसे शायद कैंडी नहीं पसंद। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये चॉक खा रहे हैं? ओह, तुम हैरान हो। मैं तुम्हें एक सीक्रेट दिखाती हूँ। मैंने कुकी स्टिक्स ली और फिर उन पर मार्शमेलोज लगाएंगे। एक स्टिक पर हम एक से ज्यादा लगा सकते हैं। 4 मार्शमेलोज और ये गए बॉक्स में। तुम इसमें डिफरेंस नहीं बता सकती। लो, तुम्हें चाहिए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितनी तेज हो। हे भगवान, मेरे हाथ चौक खत्म हो गया। अरे नहीं, अब नया चाहिए होगा। ओहो, यह आखिरी पीस था। अब क्या? ओह, वो क्या है? तुम्हारे पास चौक है? बहुत बढ़िया। क्या? ओह नहीं, ये मेरा चौक है। जल्दी, मुझे सारा खाना होगा। हे भगवान, उसे बहुत भूख लगी होगी। मुझे उसे बचाना होगा। लो, अपनी कैंडी वापस ले लो। ठीक है क्लास, ये टेस्ट का समय है। उम्मीद है सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो करते हैं। ओह, ये आसान है। क्या पढ़ाकू है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे पास सारे जवाब हैं। मुझे जरूर ए मिलेगा। मैं बहुत होशियार हूँ। मुझे ये नहीं पता था एमिली क्या कर रही है। मुझे विश्वास नहीं होता। हे, इधर देखो। क्या हुआ मैथ्यू? एमिली चीटिंग कर रही है क्या? सच में? क्या, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। देखिए, उसने क्या कहा? रुको, मैंने फोन देखा था, मुझे कुछ नहीं दिखा। तुम बहुत बुरे हो। क्या मैं अपना टेस्ट खत्म करूं? मैं हमेशा एक कदम आगे होती हूँ। अगली बार कोशिश करना मैथ्यू, मैं बहुत होशियार हूँ। लेकिन शोर मत मचाओ। ये हमारा सीक्रेट है। ठीक है दोस्तों। फिर ये यहीं पर है। मैं घबरा गई थी। उम्मीद है मैथ्यू को पसंद आए, वो इसी के लायक है। वो कितना अच्छा है। मैं मतलब उसे देखो तो। मैं रैप करती हूँ, इसे एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। मैं कौन सा गिफ्ट रैप चुनूं? ये सुंदर है, बिल्कुल मैथ्यू की तरह। मुझे इसे काटना होगा। रुको, ये सिजर्स नहीं है। मेरे बैग में थी तो सही, कहाँ पर है? ओ नहीं, मैं जानती हूँ। चलो भी, क्या वो प्लांट में है? नहीं, मैं क्या करूँ? मुझे इसे फाड़ना होगा। मैं थोड़ा समय लेती हूँ। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। हो गया, बढ़िया और आसान। ये सही नहीं हुआ, ये बर्बाद हो गया। हाँ, ये क्या है? शायद इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, शायद ये काम करेगा। स्निप स्निप, मैं प्रोटेक्टर्स को ऐसे पकड़ती हूँ। अब कट हो जाएगा। अब तक सब सही है, ये काम कर रहा है। वाओ, ये तो कमाल है। लगभग कट गया। अब मैं गिफ्ट रैप कर सकती हूँ। मैं इसे कसकर कॉर्नर से फोल्ड करूंगी, फिर वो बांधूंगी और हो गया। अब मुझे बस मैथ्यू को ढूंढना है। ये रहा वो। रुको, 2 और 2 4 होता है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है।
मैथ्यू, हैप्पी बर्थडे। वो शुक्रिया एमिली, ये कितना मजेदार है। क्या बात है, मैं हमेशा से ये चाहता था। तुम्हें कैसे पता? अच्छा लगा तुम्हें पसंद आया। ऐसे ही पकड़ी रहो एमिली, तैयार हो? तुम जानते हो यही वो जगह है। अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया आइडिया था। अगला क्या? मैंने कुछ सोच रखा है, शायद हमें कार्ड्स बनाने चाहिए। बढ़िया। ये देखो, सिंपल और अच्छा। अब तुम्हारी बारी। मेरे पास काफी बड़े प्लान्स हैं। लव हार्ट की जरूरत है, रेड सही रहेगा। ग्लू ये रही, मैं इसे थोड़ा सा कार्ड पर लगाती हूँ, फिर इस पर हार्ट लगाती हूँ। ध्यान रहे अच्छे से चिपके। करने के लिए अभी बहुत सारे कार्ड्स बचे हैं। एक सेकेंड, ये कैसा लग रहा है? प्यारा। हाँ, क्या ये बाकी के कार्ड्स हैं? बिल्कुल। मुझे काम पर लगना होगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ग्लू करो और चिपका दो, ये मजेदार है। हाँ, क्या हुआ? और भी है। क्या मजाक है? चलो इसे बांट लें, इसे जल्दी काम होगा। ये लो। शुक्रिया। हमें जल्दी करना होगा, रोमांस से काम नहीं होगा। चलो करें। थोड़ा सा ग्लू और हार्ट। ये बोरिंग हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं। फ्यू, बहुत मेहनत का काम है। करती रहो एमिली। तुम्हारे क्या हाल है? बढ़िया नहीं। सेम। मुझे लग रहा है ये बुरा आइडिया है, हमें खत्म करना होगा। क्या सच में? रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। मुझे फूड कंटेनर चाहिए, मैं इसमें स्पॉन्ज रखूंगी और स्पॉन्ज में ग्लू लगाऊंगी। मैं एक तरफ से दूसरी तरफ लगाऊंगी, पर इसे ढक दूंगी। अब इसे शेक करूंगी, ये काम करना चाहिए। हाँ, तुम क्या कर रही हो? मैं हार्ट को स्पॉन्ज पर लगाऊंगी, फिर कार्ड पर। ये देखो, तुम तो कमाल हो, मुझे भी ट्राई करना है। वो कितना बढ़िया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुमने तो कमाल कर दिया एमिली, लगभग हो गया। ये आखिरी बचा है, हमने कर दिखाया और ये सब बढ़िया लग रहे हैं। दो ताली। ये हुई ना हैप्पी एंडिंग। जिंदगी बढ़िया है, पर उसमें कुछ रंग भरना और भी मजेदार हो जाता है, आपको सुकून देने के लिए। कितना कूल है ना? रुको रुको, तुम कह सकते हो कि ये मेरा शानदार नया फोन केस है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया या फिर मैंने इसे क्यों बनाया। मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूँगी। मैथ क्लास किस तरफ है? वो कीला फर्श। ओ नहीं, फिर नहीं। अरे यार, मेरा फोन। और केस पूरा खराब हो गया, मुझे नहीं लगता ये अब निकलेगा। बुरी किस्मत। वैसे ये काफी कूल है। नेल पॉलिश सिर्फ नेल्स पेंट करने से भी ज्यादा काम कर सकती है। थोड़ी पानी में डाली, ज़िगज़ैग मोशन में। देखा ये इसमें कैसे तैर रहे हैं? अब इसमें सीधा केस रख दें और थोड़ा सा हिलाएं। ये देखो, ये अच्छे से सूख भी गया, हजारों में से एक। और ये ऐसे बना था दोस्तों। हे, देखो तो। माफ करना, जरा वो पढ़ोगी? ओह, अच्छा ठीक है। ओ, ये कैसे हो सकता है? हे, पकड़ो। मैं इसे नहीं पकड़ पाया, वो जा रहा है। तुम लोग नोट्स पास कर रहे हो, अब ये मेरा है। अब केविन कभी जान नहीं पाएगा मैं उसे प्यार करती हूँ। पर उम्मीद अभी भी बाकी है। ये साधारण नोटबुक देखो, ये एक सीक्रेट मैसेज पासवर्ड भरने वाला है।
घबराइए नहीं, इतने कलर्स किसी वजह से ही है। पर पहले हम इस पूरे को कवर कर देंगे। जब टेप अपनी जगह पर आ जाए तो काला पेंट लें, पेंट ब्रश या फिर रोलर इस्तेमाल करें। बस ध्यान रहे कि इसकी परत गाढ़ी हो। बस हो ही गया। जब ये सूख जाए तो एक नुकीली टिप से जो लिखना चाहे वो लिख दें। और यहाँ पर एक प्यार का मैसेज होगा। कितना सुंदर है केविन, शुक्रिया, पर मुझे बुक तो चाहिए। हाँ? आगे देखो क्या लिखा है बेवकूफ। वो मुझसे प्यार करती है। खैर हम दोनों ही करते हैं। मेरा दिल धड़क रहा है। ये अपनी नोटबुक वापस ले लो। हे, क्या? ये बस मेरी नोटबुक है, देखो। तो फिर ठीक है। बच गए। क्या एक बड़े हॉट डॉग के साथ केचप से बेहतर कुछ हो सकता है? इतना मेरे लिए बहुत है। लाओ दो। शुक्रिया। गह, हाँ बिल्कुल, और ज्यादा। वो बकवास। तो मैं कहाँ थी? ये तैयार है, मेरे पास आओ। ये क्या था? मेरी शर्ट। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये गलती से हुआ है, मैं इसे ठीक करती हूँ। नहीं नहीं, रो मत। पता नहीं। मैं ठीक कर दूंगी। ठीक है तो ट्राई कर लेते हैं। देखा मार्कर पानी में कैसे लीक होता है। अब आई स्प्रे बॉटल की बारी। तैयार हो? अब इस खराब शर्ट का एक मेकओवर होगा। इसे फोक से इस तरह घुमाएं और अपने हाथ से इकट्ठा कर लें। अब रबर बैंड से रैप करें और कलर्ड वाटर स्प्रे करें। इसे मजेदार बनाने के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल करें। हर सेक्शन में अलग अलग स्प्रे। लगता है ये हो गया। देखो ये बन गया एक मास्टरपीस। ये पहले से बहुत बेहतर लग रही है। केचप का निशान भी नहीं दिख रहा। लव यू बेस्टी। ये सारा मेरा ही प्लान था। धूल मेरे आगे टिक नहीं सकती। सफाई कभी खत्म नहीं होती। ये यहाँ कैसे आ गया? ये नहीं चल सकता। तुम्हारा समय वहाँ खत्म होता है। ये गम का काफी बड़ा टुकड़ा है और स्टिकी भी। पता नहीं ये किसके हैं। केविन के बालों में ब्लॉन्ड है। पता नहीं। और उसका क्या? नहीं, उसके बाल काफी डार्क हैं। समझ में नहीं आ रहा। और वो लड़की? हो सकता है ये इसी के हो। मैं पास में जाकर देखती हूँ। ये इसे मैच कर रहे हैं। अब मैं इसका क्या करूं? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अरे यार, ये प्लेडो देखें, ये गम जैसी लग रही है ना? इस पर थोड़ी ग्लू लगाएं और एक छोटा मैग्नेट चिपका दें। मैंने ऐसा बंच बनाया। इससे उसे सबक मिलेगा। आह, वहां जाकर देखती हूँ। आह, क्या दिन है। एओ, क्या ये चबाए हुए गम के पीसेस हैं? ऐसा कौन ही करेगा। ये प्लेडो है। ये क्या भी ने किया है।
हे, क्या चल रहा है? ये तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हें अपने किए का सबक मिला? ये वही गम है। ये मेरी है? वुप्स, माफ कर देना, दोस्ती कर ले। ठीक है, सब माफ किया। चलो अब इसे शेयर करें। मैंने शेयर करने को कहा। लगता है मौका मिल गया। केविन मेरे सपनों का राजकुमार है। हाँ, यही मौका है। हे केविन, क्या पढ़ रहे हो? केविन, मेरे लिए रुको। ये बुक अच्छी है ना? मुझे पता है। बुक ट्विंसीज। हाँ, मैं थोड़ा आगे हो जाऊं। वो मुझसे नफरत करता है। मेरे बाल तो ठीक है ना? हमारी और भी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। अब मुझे मेकओवर करना है। इस मार्कर को देखें, हेयर मास्क को कलर करने के लिए इसकी इंक इस्तेमाल करें और फिर इसे अच्छे से मिलाएं। और ये तैयार है। आप ये अलग अलग रंगों से भी बना सकते हैं। ग्लव्स पहनकर इसे अपने बालों में लगाएं। अब इसे फॉइल में रैप कर लें। जितने चाहे उतने बालों पर लगाएं। अब हम इंतजार करेंगे। देखने के लिए तैयार हो? कितना कूल है। सैलून जाने की जरूरत ही नहीं। ये शानदार है। हाँ। हे, तुमने अपने बाल कलर कर लिए? हमारी तो काफी चीजें एक जैसे हैं। ये लिपस्टिक देखो गर्ल्स। हे भगवान, तुम कितनी लकी हो। हाँ, मैं जानती हूँ, ये सबसे अच्छी है। मेरे लिप्स बहुत अच्छे दिखने वाले हैं। गर्ल्स, तुम कहाँ चली गई? क्या सच में? गहरी सांस लो। उप्स, ये कलर आप पर जचता है। अच्छी कोशिश थी। तुम्हें रूल्स पता है ना, मेकअप नहीं चलेगा। पर हम बात कर लेते हैं। वो ना ही कहेंगी। जरा देखूं कैसे लग रही हूँ। ओह नहीं, चेहरे पर कुछ नहीं है। पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरे पास मेकअप इमरजेंसीज के लिए सीक्रेट सामान है। ये मुझे दो, मेकअप नहीं चलेगा। ओह, कितनी गलत बात है। बहुत बुरा हुआ। अगर मैं अच्छी नहीं देख सकती तो क्या फायदा हुआ। जिंदगी बिना मेकअप के बहुत खाली खाली है। जरा रुको, मैं समझ गई। मैं ये करेक्शन फ्लूइड की बॉटल इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे यही तो चाहिए। पहले इसमें से लिक्विड निकालेंगे और इसे बोल में डाल लेंगे। इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब बॉटल को साफ कर लेंगे। और ये है मेरा फेवरेट लिप ग्लॉस। इसे ट्यूब से निकालने के लिए पाइपेट इस्तेमाल करें। इससे ये बहुत आसानी से निकल जाएगा और गंद भी नहीं मचेगा। अब इसे करेक्शन फ्लूइड बॉटल में डालेंगे। इसे पूरा अच्छे से भरेंगे। इतना काफी है। अब ढक्कन बदल देंगे। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। और मेरे लिप्स बहुत प्यारे दिखेंगे। ओह हाँ, ये काफी बेहतर है। मैंने मस कैसे कर दिया? हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? वाओ, मुझे चाहिए। ये लो। ठीक है गर्ल्स, लाइन बना लो। शुक्रिया ऐसी। मुझे दो। तुम सबसे अच्छी हो। वो तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे छपकी लेनी होगी। और को मैं क्लास में हूँ, टाइम खत्म हुआ। लाओ ये पेपर मुझे दो। ओ, मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। तो एक और एफ मिलेगा। हाँ हाँ, जो भी है। चलो जल्दी करो। बढ़िया, अब मुझे इन्हें ग्रेड्स देने हैं। आंखें भी मुश्किल से खुल रही हैं। बहुत हुआ, ये ज्यादा मजेदार है। ओ, बहुत भूख लगी है। अरे हाँ, हाय, एक ऑर्डर कर सकती हूँ? वो कितनी जल्दी आ गया। मजा आ गया। और ये मेरा है। और चाहिए, मुझे और चाहिए। ये भगवान, बहुत ही बढ़िया है। मैं कभी भी खा सकती हूँ। कितना ग्रीसी और मैसी है, पर मुझे पसंद है। आह,
खाकर मजा आ गया। ये ठीक नहीं हुआ, मुझे इसे साफ करना होगा, शायद वो ध्यान ना दे। ओ, मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले नोटबुक को इस तरह काटेंगे। अब चाहिए ग्लू गन। नोटबुक पर ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर ग्रीन फेल्ट लगाएंगे। इसे अच्छे से लगाएं ताकि क्रीसेस ना आए। अब इसके ऊपर व्हाइट और रेड फेल्ट लगाएंगे। अब ये पूरा नहीं हुआ, इसके ऊपर ब्लैक फेल्ट के छोटे पीसेस लगाएंगे। एक आर्क में लगाते जाएंगे। अच्छा लग रहा है, ये तैयार है। एक बोरिंग नोटबुक से ज्यादा बेहतर ये वाटरमेलन है। क्या बर्गर्स की खुशबू आ रही है ना। तो क्लास जरा यहाँ ध्यान दो, तुम्हारे ग्रेड जा चुके हैं। बकवास एलेक्स, ये लो। ये मेरी नोटबुक नहीं है, क्या चल रहा है। ये हमारा सीक्रेट है। रुको, hey, मुझे ये चलेगा। शुक्रिया, ये तो कमाल का है। तो क्लास चलो पार्टी करें। ये बहुत मजेदार है, मुझे पार्टी करना पसंद है। ओह, मैं दोबारा पार्टी नहीं करूंगी। पानी तो अच्छा है पर मुझे नींद आ रही है। बेल इतनी तेज क्यों बजती है। चलो चलेंगे, क्या हमें जाना होगा। ये पार्टी कर कर आई है, वो भी आज के दिन। आज हमारा एग्जाम है। तुम पढ़ कर आए हो ना, आज का एग्जाम मुश्किल है। गुड लक। शुक्रिया, मुझे इसी की जरूरत थी। पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ। ओह रुको, मैं चीट कर सकती हूँ, टेक्नोलॉजी बढ़िया चीज है। ओह नहीं टीचर, ये बहुत आसान है। क्लास में फोन नहीं चलेंगे, ये मुझे दो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मुझे अपना फोन छिपाना होगा, यहाँ गर्मी हो रही है ना। जरा रुको, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। मैं ये टेप इस्तेमाल कर सकती हूँ। टेप की स्ट्रिप्स इस जीन्स पर लगाएंगे, एक फोन पर भी और एक टेप के पीस पर फोन चिपका देंगे। अब इस डेनिम के पीस से इसे कवर कर देंगे। जब टीचर पास होगी तो मैं फोन को छिपा लूंगी, ये परफेक्ट है। रुको, ओह मैं फोन छिपा लेती हूँ। आराम से बैठो, यहाँ क्या हो रहा है। बढ़िया टेस्ट है, सबसे अच्छा। ठीक है, मुझे पता नहीं चला और मेरा काम हो गया। वाओ, बहुत जल्दी आ गई। स्कर्ट अच्छी लग रही है। हाँ, तुमने क्या कहा, ये कैसे हुआ। शर्म की बात है, मैं किसी को ये देखने नहीं दे सकती। अब हम घर जाए। हाँ, क्लास खत्म हुई, चलो यहाँ से चले। बाद में बाहर चलना चाहोगी। खैर, मैं सफाई ही कर लेता हूँ। ये बच्चे कितना गंद मचाते हैं, जरा ये देखो, ये समझते ही नहीं। हाँ अब ठीक है, कितने बुरे निशान है। मैंने कर दिखाया। वो कहाँ है, मैंने वो पकड़ डेस्क पर ही छोड़ा है। कुछ हुआ है बच्चे। मेरे डेस्क पर स्क्विशी टॉय पड़ा था, आपने उसे देखा, वो मेरा फेवरेट था। माफ करना बच्चे, मुझे नहीं पता। चलो अब मुझे काम करने दो। रुको, एक बच्चा इतना गंद कैसे मचा सकता है, ये जाएगा कचरे में। मैं उसे बताता हूँ। हाँ ये भी कचरा है, सब इसमें डाल दिया, अब इसे कचरे में डाल दूंगा। तो चलो, शायद मैंने उसे कचरे में डाल दिया। ठीक है, पर मैं कुछ कर सकता हूँ, ये स्पंज काम आ सकता है। आप चाहते हो कि मैं साफ करूँ। पहले क्ले को सॉफ कर लेंगे, अब इस ग्लास से इसे प्रेस करेंगे और वही थिकनेस आ जाएगी। एक स्पॉन्ज का पीस काटेंगे और इसे क्ले के बीच में लगा देंगे। अब इसे कोनों से मोड़ेंगे, इसे अच्छे से कवर करना होगा। अब इसे ग्लास से दोबारा स्मूथ करेंगे, इससे एक बहुत ही स्मूथ स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। चलो अब आर्ट शुरू करें, क्ले पर एक चेहरा बनाएंगे और इसकी स्माइल बहुत बड़ी होगी। और भी कैरेक्टर्स बना लेते हैं, देखो कितने सॉफ्ट और स्क्विशी है, ये तुम्हारे लिए है। वाह, ये तो शानदार है। वाओ, मुझे पसंद आए, शुक्रिया। ओ, अरे नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। एक मिनट रुको, ये फर्श, मेरा साफ सुथरा फर्श गंदा कर गई। हाँ अच्छा लग रहा है, आईब्रोज परफेक्ट है, थोड़ी सी लिपस्टिक। शुक्र है ये करने के लिए टाइम है, मुझे तभी आर्ट क्लास पसंद है। मैं खुद ही एक मास्टरपीस लग रही हूँ, पर डेविड की पेंटिंग नहीं लग रही। मैं अपना मेकअप पूरा कर लेती हूँ, विंग आईलाइनर लगाऊंगी। ये बेहतर है, चलो दोबारा ट्राई करें।
मैं ये लुक नहीं चाहती थी। ये इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? पेंटिंग से टेप हटा रहा हूँ। कितना कूल इफेक्ट है ना? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, इससे मुझे एक आइडिया आया। मुझे बस टेप चाहिए। आहा, की काम आएगा। मैं बहुत अच्छी दिखने वाली हूँ। मैं इस तरह अपनी नाक के नीचे चेहरे पर टेप लगाऊंगी। अब आंखों के साथ में भी टेप लगाएंगे। ये अजीब लग रहा है, पर भरोसा रखें, बस इस आईलाइनर को स्मर्ज करना है और टेप स्टेंसिल की तरह काम करेगी। जब हम इसे हटाएंगे तो ये आ गया परफेक्ट विंग लाइनर। अच्छा लग रहा है ना? और ये बहुत आसान है। हे डेविड, यहाँ देखो। वाह, तुम ये रख लो। थैंक्स। ये बहुत बोरिंग है। मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं आराम कर सकता हूँ। बस आज थोड़ी मस्ती हो जाए। आईपैड यहाँ रखता हूँ। मुझे इसके नीचे कुछ रखना होगा। ये नहीं चलेगा। अरे चलो भी, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। शायद मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए। झांकना मत, इंतजार करो। ये हुई ना बात। कितना बढ़िया स्टैंड बन गया। ये क्लास वर्क से काफी बेहतर है। पहले फोल्डर खोलेंगे और कोनों पर ग्लू लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसकी शेप भी आईपैड जैसी हो। फैब्रिक के स्ट्रिप्स लेंगे और ग्लू पर लगा देंगे। बस ये टिका रहे। अब इसके अंदर आईपैड डालना है। इससे टिका रहेगा। मैं स्मार्ट हूँ ना? बहुत ही बढ़िया चैनल है। डेविड, क्या चल रहा है? ओह, मुझे इसे छिपाना होगा। ये दिलचस्प है। लगता है सब ठीक है। गुड बॉय, बहुत अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल, तुम्हें कहा था। कितना फनी है। ये रहे तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स। ओह, मैं जानती थी ए ही मिलेगा। ये क्या, एक कैप? अरे नहीं, और मुझे ए मिला। अरे वाह, मैं तो एक नोट से भी स्मार्ट हूँ। कूल। ओह, नाराज मत हो, मैं ठीक कर सकता हूँ। भरोसा रखो, मैं इस ग्रेड को काट देता हूँ। तुम्हें सच में एफ मिला है? माफ करना, ये बोलना ठीक नहीं था। हाँ, अब मैं इसे इससे बदल देता हूँ। हम इस पेपर को करेक्शन फ्लूइड से जोड़ेंगे। तुम क्या कर रहे हो? जरा इंतजार करो। हाँ, हो गया। ये लो। हाँ, रुको, मैं दोबारा स्मार्ट हो गई। शुक्रिया डेविड, क्या बात है। रुको, ये तो टेस्ट पेपर ही गलत है। अरे हाँ, लगता है मुझे दोबारा ये मिला है और मैं स्मार्ट नहीं हूँ। हाँ? नहीं, पता है स्क्रीन को क्या चाहिए? थोड़ी सी हॉट ग्लू, और वो भी हार्ट के शेप में। अब ये पूरा नहीं हुआ। ओ नहीं, हम इसमें ग्लिटर भी डालेंगे। ग्लिटर सबसे मजेदार चीज है। और हो गया, बस फालतू का ग्लिटर हटाना है और टडा। ये आर्टवर्क समझ नहीं आ रहा, लगता भी नहीं है। मुझे ख्याल रखना होगा कि कोई इन मास्टरपीसेस से पंगा ना ले, क्योंकि अगर मौका मिला तो कोई जरूर पंगा लेगा, पर मेरी नजरों के सामने नहीं हो सकता। अरे नहीं, हे, क्या कर रही हो? मैं इसे अभी रोकता हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? तुमने साइंस नहीं देखे? म्यूजियम में खाना पीना अलाउड नहीं होता। हाँ समझी, ये मैं ले रहा हूँ। लगता है गार्ड का ध्यान कहीं और है, यही मौका है। हाँ, ये कैसा मजाक कर रहा है? उसे लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? मेरी नजरों के सामने ये नहीं हो सकता। तुम ये नहीं कर सकते। है, तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? हाँ, फोन अलाउड नहीं है। हाँ समझ गया, मैंने तुम्हें फोन पर देखा है। तुम फोटोज ले रहे थे, तुम पकड़े गए हो। और अब चलो, ये तो तुम मुझे दो। ये प्लेट कैसी है? अगर मैं इसे टच करूं? वो, 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 बिल्कुल भी नहीं। तुम आर्टवर्क को नहीं छू सकती। निकलो यहाँ से। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नहीं, क्या? ये प्लेट नहीं, मुझे ये अलार्म बंद करना होगा। हाँ, अब बेहतर है। ये तो टूट गया है। स्टैंड को वापस रख देता हूँ। लो, कम से कम ये अपनी जगह पर है। अब मुझे थोड़ा समय चाहिए। लो, मैं स्टैंड पर अपनी जैकेट को लगा देता हूँ। हाँ बढ़िया, अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा। हाँ, मैं डेस्क पर आ गया। अब मुझे किसी को कॉल करना चाहिए। नहीं, ये कर कुछ नहीं मिलेगा। ओह, खाली पेट मैं कुछ नहीं सोच पाता। है, एक सेकंड रुको। ये प्लेट, केचप, क्या यही इसका जवाब है? हाँ बिल्कुल, ये रही साफ प्लेट।
अब इसके ऊपर अल्कोहल डालेंगे, इतना काफी है। अब हमें अल्कोहल बेस्ड इंक चाहिए। ब्लू से शुरू करेंगे क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। हर तरफ एक ड्रॉप, बढ़िया ये फैल रहा है। पर अभी और डालना है। ये थोड़ा ब्लूइश ग्रीन इंक लग रहा है ना, इतना इंक काफी है। अब इसे इस तरह घुमाएंगे ताकि ये फैल जाए। देखो ये हिल रहा है और ये गई सारे इंक। कितनी कूल स्ट्रिप्स और स्ट्राइप्स बना रही है। दूसरी प्लेट पर थोड़ा ग्रे और सिल्वर है, इसे भी थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं और इससे ये खाली जगह भर जाएगी। हो गया। अरे वाह, ये प्लेट एक जबरदस्त आर्ट जैसी लग रही है। मैं जीनियस हूँ, मुझे भी आर्टिस्ट बन जाना चाहिए था। खैर, इस प्लेट को इस स्टैंड पर लगा देते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत अच्छा काम किया। ओ नहीं, दोबारा नहीं, पकड़ लिया। फिर बाल बाल बचे, भगवान का शुक्र है मैंने ये पकड़ लिया। उफ, नहीं तो एक और तूफान आ जाता। तुम यही रहो प्लेट। मेयर के हिसाब से लगता है यही वो जगह है। बढ़िया, और शायद मैं टाइम पर आ गई हूँ। मुझे लेट आना पसंद नहीं है। इस लड़की को क्या हो गया है, उसके प्रॉप्स तो देखो। हाँ, इतना बड़ा लकड़ी का स्टैंड क्यों लेकर आई है। मुझे क्या पेंटिंग, खैर उसे पसंद है तो ठीक है। हर किसी का आजकल अपना ही तरीका है। ठीक है, ये रहा ब्रश। हाँ, यहाँ ये ड्रेसेस क्यों है। ये मेरी आर्ट क्लास क्यों नहीं लग रही। हाँ तो फिर जरा एक सेकंड रुको। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो वो तुम्हें छोड़ते नहीं। हे भगवान, मुझे यहाँ से निकलना होगा। एक्सक्यूज यू, तुम कहाँ जा रही हो। खैर मुझे तो बस बाहर जाना है। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। कपड़े बदलो, जाओ और मुझे ऐसे कपड़ों में दोबारा नजर मत आना। चलो। पता नहीं मैंने ये मॉडलिंग एजेंसी क्यों खोल ली है। हाँ मैं यही तो कह रही थी। जरा एक सेकंड रुको, मुझे कुछ देखने दो। खैर जैसा आपने कहा मैंने ड्रेस पहन ली है। हाँ परफेक्ट है, मैं जानती थी ऐसी ही आएगी। पर अपने चेहरे का कुछ करो अभी। तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ रहा है। लो ये पैलेट लो और कुछ करो। ओह मेकअप, खैर थोड़ा सा कर लेती हूँ। कलर थ्योरी समझ आने लगी है। पहले येलो से शुरू करेंगे। कुछ इस तरह का ट्राई करें। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे ये ठीक करना होगा। मुझे अपना पेंटर्स केस चाहिए, ये काम आएगा। लो मेरा फेवरेट ब्रश भी यही है। कुछ अलग ट्राई करते हैं। हाँ मेरे फेवरेट ब्रश से स्टार्ट करेंगे। ब्रसल्स पर थोड़ी पेंट की स्ट्राइप्स लगाएंगे, पिंक और येलो करेंगे। तो अब ग्रीन कैसा रहेगा। अब आखिर में ब्लू और पर्पल से खत्म करेंगे। बढ़िया है ना। इसे मैं पूरे चेहरे पर पेंट करूंगी, यहाँ से शुरू करते हुए और फिर नोज से ले जाते हुए चेहरे के दूसरे साइड तक पहुँच जाएंगे। हो गया, ये मेकअप देखा। हाँ बस एक सेकंड रुको। हे, अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे वाह, मुझे तुम्हारी लुक बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा किया। चलो अब चलें, तुम लेट हो। ठीक है मैं आ रही हूँ। हे भगवान, क्या ये सच में रनवे है। मैं यहाँ कैसे आ गई। तो क्या मुझे यहाँ से चलना होगा। ओह हाँ, वो मेरे पर चल ले रहे हैं। उन्हें मेरी लुक पसंद आई होगी। ओह मुझे तो मैं खुद को इस फोटो में बहुत अच्छी लग रही हूँ। क्या वो चली गयी आखिरकार। वो खुद को इतना ज्यादा पसंद कैसे कर सकती हैं। पता है मैं इस पिक्चर को और अच्छा बना सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ले जा रही हूँ और अब ये इसका कुछ नहीं कर सकती। और इसे दिखने में थोड़ा और असली बना देते हैं। कितनी सारी चाबियाँ हैं। मेरी ऑफिस वाली कहाँ है। हे भगवान, शायद वो आ गई। कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। इसे छिपा देती हूँ और खुद भी छिप जाती हूँ ताकि पकड़ी न जाओ। वो आ गई। देख कितना लंबा दिन था और अभी भी ये पूरा नहीं हुआ। हाँ मेरे डेस्क पर ये क्या गड़बड़ है। ये तो मैं नहीं हूँ। रुको, ये इस पर पेन किसने चलाए हैं। ये जिसने भी किया है अब वो गया। आओ, मेरा कान। हे, दर्द हो रहा है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ वहाँ जाकर बैठो। ठीक है बैठ रही हूँ। तो आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। ये क्या है, तुमने मेरे पोर्ट्रेट का क्या किया। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैं जानती हूँ तुमने किया। हे, ये क्या कर रही हो। ये मुझे दो। हे, ये मेरा फोन है और अब ये मेरा है। सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूँगी। ये क्या ही बकवास है। हाँ आपकी बेटी ने मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को खराब किया है। हाँ शुक्रिया। हेलो, मैं अपनी बेटी के बारे में बात करने आई हूँ, आपने फोन पर बताया था। हेलो, हाँ आइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। अरे यार, इन्होंने सच में मॉम को कॉल कर दिया था और यहाँ भी बुला लिया। तो इसने इस बार क्या किया। खैर देखिए, इसने मेरी इस फोटो का क्या हाल कर दिया है। ये फोटो मेरे लिए इतनी जरूरी थी और इसने खराब कर दी। ठीक है मैं समझ सकती हूँ। ओह पर क्या आप मुझे वो पिक्चर दे सकती हैं। ग्लास फ्रेम,
हाँ बिल्कुल, ये लो। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही रहें। हाँ ये परफेक्ट है। मैं पेंट से यहाँ थोड़ी लाइंस बना रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। घबराओ मत, बस होने ही वाला है, फिर समझ आ जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब बस कलर करना है। बहुत मजेदार बनेगा। थोड़ा सा पेंट और ये हो गया, पूरा हुआ। हे भगवान, ये तो मेरा ही पोर्ट्रेट है, मुझे बहुत पसंद आया, बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। क्या सच में? तुम्हारा बहुत हुआ मिस, अब चली जाओ। ठीक है, जो उन्होंने कहा वो करो, चलो निकलो यहाँ से। ओह हाँ, याइक्स, शायद मॉम बहुत गुस्सा है, मुझे ये पोर्ट्रेट बहुत पसंद आया। ओह, वो सही कह रही थी। हे, हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए फूल लाई। ओह हे, ये तो मेरी दोस्त है। ओह नहीं, मैं तो भूल गई आज उसका बर्थडे है। मैं कितनी बुरी दोस्त हूँ, अब मैं क्या करूँ? हर कोई उसके लिए तोहफे ला रहा है पर मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ करना होगा जल्दी। रुको, शायद मेरे बैग में कुछ हो जो काम आए। हाँ ये रहे क्रैकर्स, उसे ये पसंद है, ये गिफ्ट में देने के काम आएंगे। हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट क्रैकर्स लाई। क्रैकर्स? आम? क्या, मैं समझी नहीं। ओ नहीं, उसे मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। ओह अरे नहीं, मैं उसे क्रैकर्स नहीं दे सकती, ये नहीं चलेंगे। ओह पानी की बोतल, मैं उसे ये दे सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे, तुम्हें प्यास लगती रहती है ना? ये क्या है, पानी की बोतल? बहुत हुआ, ये लो। ओह मैं गीली नहीं होना चाहती, बहुत हुआ। हाँ मेरे बैग में कुछ तो होना चाहिए। चलो भी, क्या इसमें कुछ नहीं बचा? हे एक सेकंड रुको, ये रहा बैग और ये रहे पेंट्स। हाँ ठीक है, इस तरह बैग को रखकर हम पेंट लेंगे, एक ब्रश और खाली प्लास्टिक बैग, इसे फुलाएंगे और टिप को इस तरह पेंट कर देंगे और फैब्रिक के ऊपर इस तरह इसे दबाएंगे, इसे डार्क करते जाएंगे ताकि और अच्छा दिखे। बहुत अच्छा बन रहा है, इस कोने में एक और लगाते हैं, परफेक्ट। अब इसमें थोड़ी फ्री हैंड पेंटिंग करेंगे, ग्रीन लीव्स, जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो, ये ऐसे ही अच्छा दिखेगा। और ये फ्लावर्स के साथ में भी बनाएंगे। हो गया, हे भगवान, मैंने एक कस्टम बैग बनाया, कितना प्यारा है। ये फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, उसे वो पसंद आएंगे। हाँ तो चलो। हे हैप्पी बर्थडे, मैंने तुम्हारे लिए बैग बनाया। हे भगवान, तुमने खुद बनाया सिर्फ मेरे लिए? वाह मुझे पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट्स, ये क्या मजाक है, मैं इसे बदल सकती हूँ, ये काम नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? एक एफ, अगर मैं इसे खरोच दूँ? ये बकवास है। हाँ सोचो। हाँ समझ गई, मुझे बस ये ग्लू गन और ये ग्लू की स्टिक चाहिए। कोने पर बस थोड़ी ग्लू लगाएंगे और इसे इंक पर प्रेस करेंगे, इसे यहीं टिका कर रखेंगे और ये इसके साथ ही निकल आएगा। मैं एक जीनियस हूँ। शायद नहीं, अब यहाँ एक नया ग्रेड डाल देंगे, मुझे ए मिलना चाहिए। जरा ये देखो, तुम कितनी स्मार्ट हो और शो ऑफ करती हो, अगली बार मुझे भी आंसर दिखाना। रुको, क्या तुम्हें मालूम था आज एग्जाम है? ये डरावना लड़का कौन है? मेरे पास सब है, मैथ, इंग्लिश, मल्टीपल चॉइस, मैं आ रही हूँ। पहले मुझे पेमेंट दो। हाँ बिल्कुल, देखते हैं यहाँ क्या है, लगता है इतना काफी होगा। जी हाँ, फैशनेबल, और ये है सारे के सारे आंसर्स। वाह ये तो शानदार है, थैंक्स। एक और कस्टमर खुश हुआ। हाय, तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस स्टाइल के साथ मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बहुत मजा आएगा। ये मार्केट का सबसे बढ़िया इरेजर है, पढ़ने में मजा आएगा, मुझे भी आंसर्स खरीदने होंगे। यहाँ कैंडी जरूर होगी, इससे कुछ नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? ये कैसा मजाक है, हटो, मैं यहाँ से निंजा रोल कर जाऊंगा। चलकर ही चले जाते, बहुत बढ़िया, पर अब मैं क्या करूं? रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया, ट्राई करते हैं। मैं स्क्रीन पर केस लगा लेती हूँ, अब मैं आंसर्स को स्क्रॉल कर सकती हूँ और अब मैं तैयार हूँ। यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगी, मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं। मुझे इसे छिपा लेना चाहिए, देखते हैं चीट स्कैनर क्या कहता है। ये अच्छा नहीं होगा, मैं जानती थी चीटिंग इरेजर के साथ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
मुझे ये हर एग्जाम में करना पड़ता है। और यहाँ क्या चल रहा है? चीट स्कैनर से कोई नहीं बच सकता। तुम अपनी हैट में आंसर्स छिपा रही हो। ओह, पकड़ी गई। काफी बढ़िया जा रहा है। ओह, टीचर आ रही है। मैं जानती थी यहाँ भी चीटिंग ही हो रही होगी। बस बीप ना हो। हाँ, की पक्का खराब हो गई है। मैं चीटिंग नहीं कर रही मिस। तुम तो अच्छी बच्ची हो। हार मानती हूँ। क्या नींद आई? टाइम क्या हो रहा है? ओ नहीं, मैं स्कूल के लिए लेट हूँ। मुझे जल्दी करना होगा। कपड़े निकालती हूँ। शायद मेरे पास कुछ ज्यादा ही कपड़े हैं। मेरा सर। कम से कम टाइम तो बचा। मॉर्निंग मॉम। लू नाश्ता कर लू। ये तुमने क्या पहना हुआ है? हाँ, सॉरी मॉम, मुझे जाना होगा। अजीब लड़की है। ओ नहीं, दोबारा नहीं। मैं रोज रोज ये नहीं कर सकती। मॉर्निंग, मुझे जाना होगा मॉम। इसने क्या पहना हुआ है? इसे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। रूम में कितना धन बचा हुआ है। हर जगह कपड़े हैं। मुझे ही सब करना होगा। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। सारे कपड़े निकाल लेती हूँ और ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर लगाती हूँ। अब सारा सामान तरीके से रखा जाएगा। हर दिन के लिए एक आउटफिट। लो, मॉम ने कर दिखाया। वेकी वेकी, स्कूल का टाइम हो गया। क्या? मुझे बहुत अच्छा सपना आ रहा था। चलो तैयार हो जाओ। टडा। चलो ठीक है, मैं उठ गई हूँ। देखो अब सब बिल्कुल साफ है। वाह मॉम, मुझे अपने सारे कपड़े दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमटे हुए हैं। कितना अच्छा आइडिया है और कितना बढ़िया लग रहा है। ओह नहीं, टाइम हो गया। तुम कितनी बुद्धू हो। तुम्हारा दिन अच्छा हो। थैंक्स मॉम, आप सबसे अच्छी हो। मेरा खुद का यूनिकॉर्न, वो कितना प्यारा है। पर उसमें कलर करना चाहिए। मेरे पेंस यही कहीं थे। ओ, अच्छा नहीं लग रहा। हर जगह इंक है। मैं इसके साथ ड्रॉ नहीं कर सकती। मॉम, क्या हुआ स्वीटी? मेरे पेंस को देखो। ओह डार्लिंग, कोई बात नहीं। मॉमी जानती है क्या करना है। सबसे पहले हम इसे साफ करेंगे। गंदे हाथ लेकर नहीं बैठते। अब तुम्हारे बैग को। ये तो नहीं हो रहा। रुको जरा, हम तुम्हारे लिए नया बैग ले आएंगे। मुझे बस मेरा फोन चाहिए। वाह, बैग पैक्स तो बहुत महंगे हैं। सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को बस पैसे देखने दो। आओ। मुझे पता था ये सच नहीं हो सकता। ओ, मैं अपनी प्यारी बच्ची को ऐसा नहीं देख सकती। एक मिनट रुको, शायद मैं जानती हूँ इसे ठीक कैसे किया जाए। और शायद ये काम आए। इन के निशान को छिपाने के लिए आपको कलर फेल्ट चाहिए। फेल्ट को यूनिकॉर्न पार्ट्स में काटें। हर पार्ट पर ग्लू लगाएं। फेल्ट को अच्छे से कवर करें। अब पेस को बैक पर लगा दें। हर पार्ट को ऐसे ही लगाएं, एक यूनिकॉर्न बनाते हुए और उस निशान को कवर करते हुए। आंखें कैसे भूल सकते हैं? और हर यूनिकॉर्न की सुंदर आईलैशेस होती है। ये तो जादुई है। हाय स्वीटी, तुम ठीक तो हो? कम से कम मेरे हाथों से इंक हट गई। खैर, मम्मी ने ये बनाया। वाओ, एक यूनिकॉर्न बैग। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स मॉम। कोई बात नहीं डियर। ये परफेक्ट है। ये वाला मुझे आता है। समझ गई। हाँ, बढ़िया। मेरी पेंसिल टूट गई और मुझे यही चाहिए। तो कुछ करना होगा। तुम क्या कर रही हो? ये मेरी है। जल रही हो? ओह हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, काफी अजीब है। जो भी हो, मैंने अपना शार्पनर कहाँ रख दिया? नहीं, क्या यहाँ कुछ है? ओह, यहाँ तो गंदी गम्स लगी हैं। अब मैं क्या करूँ? आउच, मेरे शू में कुछ है। ये क्या है? मेरा शार्पनर। मैं जानती थी मैंने ऐसी कोई जगह पर रखा होगा। क्या ये स्मेल मेरी स्नीकर्स से आ रही है? ओह, बहुत बुरी है। कम से कम मुझे शार्पनर मिल गया। रुको,
इससे मुझे एक आइडिया आया। मुझे बस कुछ गम चाहिए। परफेक्ट, ये काम आ सकती है। मैं गम को अपने रिंग पर लगा लूंगी और इस पर शार्पनर लगा लेंगे। अभी कभी नहीं खोएगा। नैने, वो कितना फैशनेबल है और इस्तेमाल करने में भी आसान। अब मैं अपना काम पूरा कर सकती हूँ। लूना, ये मत करो। हाय। ठीक है, आ जाओ। मेरे पास थोड़ा होमवर्क है, ठीक है? ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगी। ये अच्छा है। वाह, कितनी सुंदर ड्राइंग है। ये घर है, बस बन ही गया। हाँ, मेरा भी हो गया। देखो लूना, तुम ये क्या कर रही हो? आओ, नहीं ये मैंने नहीं किया। मेरी सारी बुक्स पर यही हो गया। सॉरी, पर ये सुंदर है। ये खराब हो गया। जरा ये देखो, अब मैं क्या करूं? रुको, ये इंक काम आएगी। थोड़ा क्रिएटिव आर्ट वर्क हो जाए। पहले नोटबुक पर एक पेपर रखें, अब एक पेन लें और पेपर पर पैटर्न्स बनाएं। वाइब्रेंट इफेक्ट देने के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल करें। अच्छा लग रहा है, पर अभी पूरा नहीं हुआ। अब हमें एक प्लास्टिक बैग चाहिए और इसमें इंक डालें। ध्यान रहे ये गिर ना जाए। जब ये हो जाए, बैग को सील करें और इसे नोटबुक पर रख दें। अब इंक को फैलाएं। एक पेल्ट लें और इससे नोटबुक का बॉर्डर बना लें। इसे नोटबुक पर लगाएं और मजे करें। जब आप बोर हो रहे हो तो टाइम पास करने के लिए ये बढ़िया है। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। हे, कोई बात नहीं। देखो, क्या ये मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल। ओह, ये तो मजेदार है। फिर ये देखो, मैं कितनी अच्छी शेप्स बना रही हूँ। थैंक्स लूना। पता है, जरूरी नहीं कि पेपर पे ही पेंट करें। आपकी बॉडी भी कैनवस बन सकती है। बस थोड़ी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत होगी। ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक पेंट काफी बढ़िया आर्टवर्क बना सकता है। ये अभी कुछ खास नहीं दिखेगा, पर बाद में देखना। कोई आइडिया है कि क्या बन रहा है? ठीक है, तो तुम तैयार हो एशली? मैं पहले देखूं, प्लीज। बिल्कुल, देखो। थैंक्स, बहुत मजेदार है। ये तो बनी है, देखा? तुम्हें क्या हुआ है? ये तो कैट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बनी है। बस करो, तुम मतलब ही हो। मैं बस रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे खेलना चाहते हो तो ठीक है, चलो शुरू करें। मुझे बचपन से इसकी ट्रेनिंग मिली है। चलो आ जाओ। मेरी नाक, मुझे कुछ करना होगा। बहुत हुआ। मैं हार मानती हूँ। ओह, ये मुझे दो। अब देखना, पेपर पर एस शेप बनाएंगे और फिर उसे जोड़ देंगे। ये बहुत क्यूट बनेगा। इन्हें हम मुस्कुराता हुआ दिखाएंगे। ये रहा एक बनी और एक कैट। इसमें हम कलर करेंगे। ये दोनों कितने खुश लग रहे हैं। इसे ड्रॉ करना बहुत आसान है, बस होने ही वाला है। जस्टिन, बनाई ने देखो, ये गले मिल रहे हैं। वो, ये तो एक कैट है। कमाल है। ओह, कितना प्यारा है। ये लो। रुको, ये क्या है? ओह, ये कितना प्यारा है। एक छोटा सा जिराफ भी है। ये वाला मेरा है। ठीक है, तो फिर ये वाला मेरा हुआ। मेरा जिराफ ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हिलना मत, मैं तुम्हें ड्रॉ करूंगा। अभी तक तो सब ठीक है। तुम क्या कर रही हो? मैं इसकी जांच कर रही हूँ। ओह, अच्छा आइडिया है। देखते हैं जस्टिन क्या कर रहा है। ये असली लग रहा है ना? मैं इसे जेरी बुलाऊंगा। ये जिराफ तो नहीं लग रहा। ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसका नाम सही से लेना होगा। जरा रुको, एक आइडिया है।
अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखूं और इसके आसपास ड्रॉ करें, यहाँ इसका चेहरा बनाएंगे, ये बन गया जिराफ। चलो इसे कलर करें, ब्राउन कलर परफेक्ट रहेगा और बाकी की जगह येलो करेंगे। ध्यान से, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब नेक की बारी। हो गया, शुक्रिया, मैंने ये सोचा। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। मुझे माफ कर दो जेरी। तुम ये रख सकते हो। थैंक यू। ठीक है, अगले राउंड की बारी। रुको, अपनी आंखें ढको। क्या बात है। मैं इसे हैरान कर दूंगा। ये तो बहुत गंदा है, बदबू भी बहुत बुरी है। ये बदबू कहाँ से आई? माफ करना। रुको जस्टिन, मैं जानती हूँ हम क्या कर सकते हैं। जरा ये देखो, पहले एक ट्री बनाएंगे और उस पर एप्पल्स, थोड़ी हरी पत्तियाँ, लाइंस के अंदर अंदर बनाना है। ये अच्छा लग रहा है। पत्तियों के लिए डार्क ग्रीन कलर करेंगे, इससे एक टेक्सचर बन जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर ब्राउन कलर होगा, थोड़ा इस तरह बनाने से लगेगा कि ये लकड़ी है। एप्पल्स को हम रेड कलर करेंगे, कितने जूसी लग रहे हैं ना। टडा, ये बन गया एप्पल ट्री। ये अच्छा है, पर ये असली एप्पल नहीं है। जस्टिन देखो, वो ये तो कमाल है। कितना टेस्टी है, तुम ट्राई करो। हाँ बिल्कुल। तुम पिज्जा ड्रॉ कर सकती हो। 1, 2, go! ओह नहीं, मैं ये कर देती हूँ, बस इस व्हील को घुमाकर। ये कौन थी? ओह बहुत ही अजीब है। ओह व्हील को देखो। क्या? ओह वाओ, ये थोड़ा ट्रिकी होगा। रुको, क्या? चलो इसे थोड़ा दिलचस्प बनाएं। 1, 2, 3, go! ये थोड़ा मुश्किल है। ओह नहीं, मेरी पेंसिल। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। ये ठीक नहीं हो रहा। चलो भी। हाँ, ओह तुम अनलकी हो। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। बहुत टाइम लग रहा है। मुझे जल्दी करना होगा, टाइम खत्म होता जा रहा है। निकल जाओ। हे, मेरे आर्ट से अपना कचरा दूर रखो। लेकिन ये काम आ सकता है। पहले मैं एक बैलरीना बनाने से शुरू करूंगा। ये अच्छा दिखेगा, वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। और ट्यूटर बनाने के लिए पेंसिल शेविंग्स इस्तेमाल करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हे आश्ली, तुम्हें कैसा लगा? मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, पर मैं अपनी ड्राइंग पूरी करूंगी, बस एक मिनट और। ओह ध्यान से। हाँ ये हो गया। तुम्हें कैसा लगा? ये अच्छा है ना? बहुत अच्छी। जरा टाइमर को तो देखो, हमने कल दिखाया। हाथ मिलाओ। बहुत अच्छे, ये मजेदार है। ठीक है, रोल करो। ओह मैं हार गया। अब उसे घुमाने की मेरी बारी है, इसमें क्या आएगा? ओह एक सरप्राइज। वाओ, चलने के लिए इसमें बहुत सी चीजें हैं। ओह मुझे लगा ये कैंडी है। ये है क्या? इससे ड्रॉ करते हैं। आह समझ गई, इस तरह। ये मजेदार है, तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, ये इस तरह इस्तेमाल करो, इससे स्पाइरल बन जाएगा। आपको बस पेन को इस तरह घुमाना है, बाकी काम सर्कल्स खुद कर लेंगे। मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ। कितना कूल लगता है। हाँ और कलर्स ट्राई करते हैं। देखा, इससे अलग पैटर्न बन रहा है। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात।
वो ये तो हिप्नोटिक है। एशली तुम ठीक तो हो? ये हो हे वापस आ जाओ। मैं समझ गया इसे तुम जगोगी। ये काम करना चाहिए सच में। मेरे आइडियाज खत्म हो गए। ओह ये फेदर काम आ सकता है। वेकी वेकी। अच्छा क्या हुआ? ओह हाँ मेरे सर्कल्स ये अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे घुमाऊं? नहीं मेरी बारी है। ओह ठीक है हम गौर से पता लगाएं। तो ठीक है थोड़ा समय लग जाएगा। रुक जाओ हम दोनों ही से घुमा देते हैं। अच्छा आइडिया है। कैसे हो? बहुत मजा आएगा। रुको हम कहाँ हैं? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। वाह मेरा पहला टैटू। वो तुम्हें बहुत जल्दी है तो ठीक है। तुम पागल हो? बहुत जबरदस्त दिखेगा। गुदगुदी हुई। वाह जरा इसे देखो। मैं अच्छे ही बनाता हूँ। ये थोड़ा अलग है। मुझे पसंद आया। इसे मुझसे दूर रखो। मम्मी बचाओ। तुम्हारी बारी ब्रो। बिल्कुल नहीं मैं प्रिंटर इस्तेमाल करूँगा। बटरफ्लाई को काट लेंगे उसे रिस्ट पर इस तरह रखेंगे इस पर आफ्टर शेव लगाएंगे और फिर प्रेस करेंगे। ये बन गया पेन फ्री टैटू। ये मुझ पर जच रहा है। वाह हाँ जानता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी पैसे कमाने का मौका। मैं किसी को क्लास में नहीं जाने दूंगी। यही रुक जाओ तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ जरा रुको डैडी को ये बताता हूँ वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ठीक है शुक्रिया। ये बस छुट्टे हैं यही छोड़ देता हूँ। ये अमीर बच्चे भी ना। सिक्योरिटी गार्ड बहुत डरावनी है। मैं उससे बहुत नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है तो चलो मैं ये कर सकती हूँ बस नेचुरल रहो। फ्रीज। क्या ये चीज सेफ है? मैं जानती थी ऐसे ही होगा। नहीं तुम अंदर नहीं आ सकती। निकलो यहाँ से तुम गरीब हो। इतनी बुरी तरीके से तो मत बोलो। ये क्या? आउच बहुत जोर से लगी। ये मैं किस पर गिर गई? हाँ क्या ये डायमंड है? अरे हाँ ये तो डायमंड ही है। मुझ पे कुछ अलग लग रहा है शायद थोड़ी स्पार्कल। तो मैं अंदर आ सकती हूँ? ये स्कैनर डिसाइड करेगा कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ ये बता रहा है ये अमीर है। मुझे समझ नहीं आया पर स्कैनर गलत नहीं बताता तो तुम जाओ। सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं क्लास के लिए तैयार हो जाती हूँ। मुझे अपनी बुक्स चाहिए होंगी। पता नहीं आज हम क्या पढ़ेंगे। उम्मीद है कुछ दिलचस्प हो। अरे वाह मैं टाइम पर आया हूँ। जेट में फ्यूल भरना था तो जल्दी निपटाएं। मुझे डिनर पर भी जाना है। वो ये नोटबुक तो देखो। हाँ ये काफी खास है। अब जरा ये देखना। नहीं ये नहीं हो सकता। मेरा फोन देखो। पता नहीं मैं क्या देख रही हूँ। मुझे इसे छूने दो। ओ बिल्कुल नहीं। कूल है ना? मेरा इस पर कपकेक लगाने का मन है। नोटबुक पर लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ हाँ तुम जल सकती हो। मेरी नोटबुक बहुत बोरिंग है। मुझे कभी अच्छी चीजें नहीं मिलती। बहुत गलत बात है। एक सेकंड रुको मैं जानती हूँ क्या करना है। ये पिक्चर्स काटने से शुरू करेंगे। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है। ठीक है ये बस आखिरी है पर अभी और भी काम करना बाकी है। मुझे रेसिपी को फॉलो करना चाहिए था। मैं आ रही हूँ बुरा मत मानना। मुझे बस सही चीज ढूंढनी है। हाँ मैं यही तो ढूंढ रही थी। नहीं रिसॉर्ट नहीं मुझे बेकिंग पेपर चाहिए एकदम आराम से। वो बस मुझे देखना ले। ये होता है परफेक्ट क्राइम। बस थोड़ा सा और। बेकिंग पेपर को स्क्वायर्स में काट लेंगे। अब इसके ऊपर ड्राइंग्स रखेंगे।
अब इसे टेप से कवर कर देंगे। ये स्मूथ होना चाहिए, कोई क्रीसेस नहीं आनी चाहिए। इन्हें अच्छे से काट लेंगे। एकदम आराम से आउटलाइन को फॉलो करेंगे। ये बढ़िया लग रहा है। अब बेकिंग पेपर को हटा देंगे और इसे नोटबुक पर लगा देंगे। ये अच्छा लग रहा है। ऐसा ही बाकियों के साथ भी करेंगे। वाह, ये अभी से बेहतर लग रहा है। और पिज्जा को नहीं भूल सकते। हे एलेक्स, जरा इसे देखो। क्या इसका कलर, ये इमेज, वाह मुझे पसंद आया। उम्मीद थी यही कहोगे। ये क्या चीज है? हाय, मैं एक फूल। उसका लूंगी। मैं कुक स्कूल में ये सीखने गई थी। पता नहीं ये है भी क्या। मैं इसे ग्रीन स्टफ कहती हूँ। ये लो, ये थोड़ा स्लाइमी है। जरा रुको, आराम से लिडल से हट जाओ। बोल कैसे चाहिए, हो गया। मजे करो। ये देखो, फ्री का खाना। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं ऑर्डर कर लूंगा। ये बढ़िया लग रहा है। लम से एक्स्ट्रा फ्लेवर आ रहा है। यम्मी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बहुत ही गंदा है, वो ये कैसे खा सकती है? बटलर, ये हुई ना बात। शुक्रिया बटलर, मुझे ऐसी ही बढ़िया चीजें पसंद है। एकदम ताजी सुशी से बेहतर और क्या होगा। स्वादिष्ट लग रही है। मेरे मुंह में पानी आ गया। रुको, ये आवाज कैसी है? ये एक फ्लाई है, वो भी मेरी सुशी पर। अब मैं क्या करूं? ये खराब हो गई, मुझे उल्टी आ रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक फ्लाई ही तो है। हे एलेक्स, मैं ये ले लूं? हाँ ले लो। उम्मीद है तुम्हें बेहतर महसूस हो। चलो निकलो फ्लाई। फैंसी है, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने मुझे फर्श पर बिठाया हुआ है। ऐसे काम करना बहुत मुश्किल है। हाँ? क्या पैसों की बारिश हो रही है? हो क्या रहा है? फिर उन्होंने मुझे एक डायमंड दिया। एक, सोचो जरा। क्लास शुरू होने वाली है। ओह, टाइम पर आ गई। ओह, मुझे जाना होगा, बाद में बात करेंगे। और तुम कहाँ जा रहे हो? यही रुक जाओ। क्या परेशानी है? जरा मुझे तुम्हें देखने दो। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, तुमने शर्ट नहीं पहनी हुई, वो हम देख लेंगे। डैडी, एक हेलीकॉप्टर भेजो अभी। ये क्या हो रहा है? खतरा, खुद को बचाओ। ओह, एक डिलीवरी खास मेरे लिए। शुक्रिया दोस्तों, मुझे यही तो चाहिए। चलो पहन लेता हूँ, ये काम करेगा। इसे टक इन कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। वो तो मैं हमेशा दिखता हूँ। तो चलो, अब मैं क्लास में जा सकता हूँ। जरा रुको। हाँ, बेहतर है, सारी चीजें पूरी हैं। माफ करना, आप जा सकते हो। शुक्रिया। अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी टी शर्ट छिपा लेती हूँ। यही रुक जाओ, मुझे तुम्हारे कपड़े देखने होंगे। ऐसे हिलना बंद करो। मुझे ये गेम पसंद है। रुक जाओ, बहुत हुआ। टाडा, अच्छी कोशिश थी। मैं बस क्लास में जाना चाहती हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पेपर को इस तरह काट लेंगे, अब इसे नेक पर लपेट लेंगे। कितना प्यारा सा कॉलर बन गया। तो चलो। वाह, बढ़िया है, अच्छा है, कितना सुंदर कॉलर है। चलो जाओ। शुक्रिया। देखो एलेक्स, स्टाइलिश है ना? मुझे इटालियन सिल्क ज्यादा पसंद है। मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ। मैं कॉलर नहीं पहनूंगा, इसे फेंक देता हूँ। सच में? मैं क्लास के लिए पेपर तो लाई हूँ ना? ओह, मैं तो ये भूल ही गई थी। मुझे ये इस्तेमाल करना होगा, फैशनेबल और प्रैक्टिकल। तुम्हारी शर्ट ये नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। मैं खुद परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई मतलब ही नहीं बन रहा, हर तरफ तो नोट्स है। मुझे इसे समेटना होगा। तो शुरू करते हैं। तुम ये ऐसे करने वाली हो? मैं तो ये इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, वो क्या है? हाँ? ये देखो, पेपर यहाँ डालेंगे,
अब हैंडल को घुमाएंगे, पेपर श्रेड हो गया। और कितनी जल्दी हो गया, वो कमाल है। काश मेरे पास श्रेडर होता। ओह अरे हाँ, मेरे पास खुद के श्रेडर्स हैं और ये काम जरूर आएंगे। मजा आ रहा है। हो गया। हाँ, पर मेरा टेस्ट तो साफ नहीं हुआ, अभी भी बहुत पेपर्स पड़े हैं। ये दिलचस्प है। वो कोई सोडा छोड़ गया, अभी कैन में और भी बचा है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? मैं इसके मजे उठाऊंगी। ओह हाँ, पीकर मजा ही आ गया। हाँ, बहुत फनी है। हे भगवान, इतने सारे स्नैक्स, मैंने खाते हुए अपना फोन नहीं पकड़ सकता। फोन यहाँ रख देता हूँ। चलो भी, तुम्हें मदद चाहिए? ठीक है, मैं कर लूंगा। तुम श्योर तो हो? देखना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ क्या करना है। कैन में डेंट मार देंगे। ये ट्राई करो। वो कमाल है, ये परफेक्ट है। तुम तो जीनियस हो। चिप्स खाओगी? मौका अच्छा है, काम कर लेना चाहिए। मैं लकी हूँ कि उन्हें ग्लासेस के बिना नजर नहीं आता। बहुत मजा आएगा। अपना काम करो पू। ये बेहतर है, मुझे इसकी कॉपीज करनी होगी। फोकस, ये टेस्ट है, कोई मजाक नहीं। ये लो, और एक तुम्हारा। हे, देखो पू। टेस्ट खराब हो चुका है। ठीक है क्लास, टेस्ट शुरू हो चुका है। मेडिसिन, ये लो। बढ़िया, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे सच में पढ़ना चाहिए था। कोई मेरी मदद कर दे। मैथ्स बहुत मजेदार है, ये कितना एक्साइटिंग है। वाह, उसे अपने आप को देखना चाहिए। पर हाय, तुम मेरी मदद कर दोगे? बिल्कुल, वैसे इसके पैसे लगेंगे, एक किस और तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। मुझे इनकी इतनी भी जरूरत नहीं है। नहीं, ये बकवास है। हाँ सोचो, तुम ये कर सकती हो। ये बस नंबर्स ही तो है, इससे कुछ भी नहीं हुआ। दिमाग चल जाए। मेडिसिन, टाइम जा रहा है, जल्दी करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हाय, एक किस ही है ना? क्या दिन है, वाह। ये बस किस है, बस सोचो कि ये तुम्हारी ग्रैंड मॉम है। सीधा चीक पर। मुझे माउथ वॉश चाहिए। हो गया। हे, मुझे अपने आंसर्स दो। ओह हाँ, डील तो डील है। यहाँ देखो, आंसर के लिए पहले इक्वेशन लिखो। अब दो नंबर्स को जोड़ो, 6 और 4 होते हैं 10। अब ये दो लो और 10 में से इसे माइनस कर दो, तो अब आया 8। अगले आंसर के लिए भी हम यही करेंगे। इस बार हम 2 और 5 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास आया 7। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 5। वाह, ये कितना अच्छा है। शुक्रिया, मैं ये कर सकती हूँ। पहला आंसर 8 है और फिर 5। उसे सारे आंसर्स पता है। ये देखो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, तुम्हें किस करनी होगी। मुझे चलेगा। गलत बात है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह हाय, देखो मैं क्या लाया, एक पपी। वाह, मैं इसे रख लूं? बिल्कुल, इसका नाम फ्लफी है। कितना प्यारा नाम है, तुम कितनी प्यारी हो। हाँ बिल्कुल। हाय गाइस। हाय, मैं बहुत सुंदर हूँ। क्या, हटो। नहीं, जो भी है, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। नहीं, मुझे खरीदने की कोशिश मत करो। ठीक है। ओ, प्यारा सा पपी। ये गलत बात है, वो अपने आप को क्या समझती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने इसे चॉकलेट बार पर निकाल दिया। इसे पकड़ोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे पता है उससे बदला कैसे लेना है। मैं चॉकलेट पेपर को ऊपर से काट दूंगी। अब इसे उसकी नोटबुक पर लगा देंगे। लो, कितना प्यारा डॉग है। हे भगवान, ये पपी बहुत बुरा है, गंदा है। ये काम किया, मैं ये हटा देती हूँ।
मैं वापस आ गई। हेलो फ्लफी, अच्छे बच्चे। अपना अपना टेस्ट अच्छे से करना, तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, मुझे सारा आता है। मुझे उसमें से कुछ नहीं आता। मैं हार्ट अटैक आने का नाटक करूं? ना, ये बेकार है। क्रिस, बातें नहीं। ओह सॉरी मिस। हे मैडिसन, क्या? मेरी मदद करो, मैं तुम्हें ये कैंडी दूंगा। तुम्हें पता है मुझे कैंडी कितनी पसंद है। ठीक है, ये लो। शानदार, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ये आंसर्स, ये ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं यही ढूंढ रहा था। हे, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आंसर्स मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ। बहुत गुस्सा दिला रहे हो। तो ये आया सच में? ये कचरे में जाएगा। इसने किया? नहीं, इसने किया ना। झूठा, ये कैसे बच्चे हैं? मैं अपनी बुक ही पढ़ लेती हूँ। चलो ये दोबारा ट्राई करें। हे हे, अब क्या? ये कैंडी बार देख रही हो, ये कैसा रहेगा? हाँ तो डील रही। हम ये करें कैसे? समझ गए, मुझे पता है। एक नोटबुक खोलें और बुक के बिल्कुल कोने तक टेप के स्ट्रिप्स लगाएं। इसे पूरे पेज पर लगाएं। अब एक स्पॉन्ज लें और इसे छोटे पीसेस में काटें। एक पीस हाइलाइटिंग पेन पर लगा दें। अब आपके पास कुछ भी मिटाने के लिए इरेजर है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे, तुम्हें आंसर चाहिए? ये देखो, तुम क्या कर रही हो? रुको, अब ये देखो। वाह, शुक्रिया। मुझे लगा मुझे आंसर्स मिलेंगे ही नहीं। वहाँ क्या चल रहा है? ओ, कुछ भी नहीं मिस। देखो, मेरा भ्रम होगा। बाल बाल बचे। हे, मुझे कैंडी बार दो। तुम्हारे साथ काम करकर अच्छा लगा। क्या प्रैक्टिस थी दोस्तों, बेहतर लग रहा है। रुको, मेरे पास नोटबुक वगैरह कुछ है? यहाँ, मुझे वो लिखने वाली चीज चाहिए। पेन? हाँ बिल्कुल। नहीं, यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हे स्मार्ट गर्ल, यहू मैं। हाँ, मुझे पेन मिल सकता है? ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये रहा। वाह शुक्रिया। ओ नहीं, ये टूटा हुआ है। हे स्मार्ट गर्ल, ये वाला खराब है, मुझे दूसरा मिलेगा। ध्यान दो ना। वाह, एक बार में दो दो। ओ, ये कैसे हो सकता है? ये लो, लो ये वाला लो। उसने इसके रिसेट रखी होगी। स्मार्ट गर्ल, ये मेरा आखिरी पेन है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, ये जूस बॉक्स काम आएगा। शायद ये स्ट्रॉ मदद करे। ये चलेगा। एक पेन खोले, इंक ट्यूब के बिल्कुल नीचे ग्लू लगाएं, इस तरह। अब एक स्ट्रॉ लें और इंक ट्यूब उसके अंदर डाल दें, बिल्कुल नीचे ग्लू तक। ये पेन स्ट्रॉस की तरह दिखते हैं और इन्हें कोई नहीं मांगेगा। वाह, ये कितने कूल है। मुझे पेन मिल सकता है? ये स्ट्रॉस है, माफ करना। ठीक है। हे ब्रो, तुम्हारे पास पेन है? हाँ, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। आज का सब्जेक्ट है पॉपिट यूनिकॉर्न। चौके में कहेगा वो लूजर है। मैं जीत गया। हाँ, मैं जीत गई। ना ना। तैयार हो? प्लीज, मैं हमेशा से तैयार हूँ। ये कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे जीतना ही होगा, जल्दी चलो भी। मैं ये आराम से जीत जाऊंगा, तुम हारने की तैयारी करो। हाँ बिल्कुल, लगभग हो ही गया। असली आर्ट छोड़ो, मुझे करना होगा। मेरी पेंसिल, मैं ये और इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये हो ही गया, मुझे ये नहीं चाहिए। वो कर क्या रही है? लास्ट सेक्शन।
चलो भी मुझे कर कर जीतना होगा। मुझे और पेंसिल्स चाहिए। वो क्या कर रहा है? आराम से करेंगे तो जीत ही जाएंगे। मैं उसे जीतने नहीं दे सकती, पर मेरे पास पेंसिल्स नहीं है। रुको, उसके पास पेंसिल्स नहीं बची, मुझे बाद में पछतावा होगा। जरा मुझे दिखाओ, शायद मैं कुछ कर पाऊं। हेलो, मेरे पास एक आइडिया है, ये स्ट्रॉ काम आएगा। एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लें और उसके अंदर पेंसिल निब लगाएं। दूसरे एंड के साथ भी यही करें। अब ये पेंसिल लिख भी सकती है और ड्रॉ भी कर सकती है। मैं इतनी आसानी से नहीं जीतना चाहता। हे, ये तुम्हारे लिए पेंसिल्स। मतलब मैं अपनी ड्राइंग खत्म कर सकती हूँ? शुक्रिया। कोई बात नहीं, रुको, शुरू करो। 3, 2, 1, चलो। हेलो मेरे प्यारे क्रिएटिव्स, एक और एफ एलेक्स, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ? और ये सब क्या है? बहुत हुआ, हमें इसे ठीक करना होगा। ये क्या है? हाँ, ये लड़का कौन है? पता नहीं, पर उसकी हार्ट कितनी अच्छी है। आखिरकार तुम्हारा ध्यान मुझ पर आया। चलो अब शुरू करें एक और चैलेंज। ओह, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, पर बार बार तुम्हें फेल करना पड़ता है। बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, आ जाओ। ये रहा पहला मॉडल पिकाचू। जाओ, मैं कर सकता हूँ, तो इंतजार किसका है? ओह हाँ, ये बढ़िया दिखेगा। मैंने पिकाचू के एसेंस कैप्चर कर लिए हैं। मैं कितना टैलेंटेड हूँ। तुम फालतू की चीजें सोचते हो। ये है तो बढ़िया, पर ये बेकार है। आपको क्या पता, आप तो बोटाइज पहनते हो। मैं जानता हूँ क्या करना है। पिकाचू की इस पिक्चर के ऊपर स्टेंसिल रखेंगे, अब इस पर पेंट कर देंगे। तो जरा देखो बोटाइज वाले ने क्या बना दिया, हमें अभी पता चल जाएगा। रुको, क्या? रुको, अब देखते हैं तुमने क्या बनाया है। विजेता एक ही हो सकता है। और विजेता है टीचर। बहुत अच्छे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। ये क्या है? हाँ, आप मजाक क्या लग रहे हो? जरा खुद को शीशे में देखो। हाँ, हाँ, मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया। अब चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं। तो तैयार हो? हाँ। तो क्रेयॉन्स को खाते नहीं है? Hey, जरा आप स्क्रीन की तरफ देखो, ये अगला चैलेंज है। हम इसका क्या करेंगे? ये काउज है और ये अमूजिंग होगा। ये लड़का बहुत अजीब है, पर मुझे लगता है ये सच में एक आर्टिस्ट है। ये खूबसूरत बोवाइन बनाओ, इसका नाम डेजी है। ओ, डेजी कितनी प्यारी है। अब शुरू करो। नहीं, इस क्लासरूम का इंचार्ज मैं हूँ। रुको, अमूजिंग। ओ, मैं समझ गया, ये सब बेवकूफ है। मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। मैंने ऐसे कुछ नंबर्स बनाए हैं, अब मैं इन्हें काउ में बदल दूंगा। बस इन्हें साथ में जोड़ना है। ये होगा इसका चेहरा। अब इसकी शेप आ रही है। इसका चेहरा मुस्कुराता हुआ बनाएंगे और अब इसकी बॉडी की बारी, और ये 2 बनेगा इसकी टेल। बढ़िया है ना? अब इसमें कलर कर देंगे। ये परफेक्ट है, बिल्कुल डेजी जैसी लग रही है। मुझे दिखाओ। मैं इसे कैसे हरा पाऊंगा, मुझे कुछ सोचना होगा। समझ गया, मैं टेप का रोल इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे पेपर पर लगाएंगे और इसे सर्कल्स बनाएंगे। ये मेरे काओ के सर का बेस होगा। अब डिटेल्स बनाएंगे। ये इसके कान और अब इसकी आंखें बनाएंगे। मैं इनमें खो सकता हूँ। खैर जो भी हो, अब इसका नाक और इसका मुंह बनाएंगे। ये काओ बहुत खुश है, मुझे सच में ऐसा लग रहा है। ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा काम होगा। चलो इसकी बॉडी बनाएं। अभी तक तो सब ठीक है, और आखिर में इसकी टेल बनाएंगे, आउटलाइन कर देंगे। ये बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए, जो कि वो इससे ही दिखेगी। बस लाइंस को फॉलो करना है। ये काव सबसे ज्यादा कलरफुल होगी। उम्मीद है मैंने डेजी को अच्छे से बनाया है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी मस्ती करती हुई दिखे। जी हाँ, टाइम हो गया, अपनी ड्रॉइंग्स दिखाओ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। हाँ, ये सच में एक काव है, और मैं तुम्हें इसका क्रेडिट दे सकता हूँ। वाह एलेक्स, ये काफी अनोखी है, चुनना बहुत मुश्किल है। मैं अभी आता हूँ। हे, तुम ये नहीं कर सकते, मुझे मदद चाहिए। तुम्हें कौन सी वाली पसंद आई डेजी? अच्छा, सच में? ओह, दिलचस्प है, मुझे तुम्हारी सोच अच्छी लगी। तुम दोनों विनर्स हो। वो कमाल है। मुझे बचाओ।
अब हम क्या करें? मैं कुछ सोचता हूँ। वो मुझे इंस्पिरेशन मिल चुकी है। मैं जानता हूँ क्या बना सकते हैं और बहुत जबरदस्त होगा। क्या बताओ ना, हमें सस्पेंस में मत रखो। ये फ्लफ की प्यारी सी बॉल है, यह है किटी। और जरा इसका प्यारा चेहरा तो देखो, बहुत मुश्किल होगा। है जल्दी करो, टाइम जा रहा है। ठीक है ये लो। रुको, ये कहाँ से आ गया? तुमने देखा, ये क्लू है। एक सेकंड, पैसे। मैं अमीर हूँ, आज का दिन लकी है। और ये कैसे हो सकता है? और मुझे तो ये बकवास अवार्ड मिला। हे, ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। पैसा पैसा पैसा। खैर, रोने का कोई फायदा नहीं है, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ इसे कुछ खास कैसे बनाए। ये लेटर्स मेरी ड्राइंग के बेसिस होंगे, मुझे बस क्रिएटिव होना है। और पूंछ की बारी। अब स्ट्राइप्स बनाएंगे, ये अच्छा दिखना चाहिए। इससे मुझे टाइगर की याद आ गई। फोकस करो एलेक्स, ये बस आखिरी कुछ स्ट्राइप्स हैं। और जी हाँ, वाह, जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा निकला। उसने ऐसा कैसे किया? मिस्टर आर्टिस्ट, यहाँ देखो। हाँ, मुझसे बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विंक विंक, तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा, तो क्या कहते हो? मुझे 5 मिनट दो, मैं खाए बिना पागल हो जाता हूँ। ओहो, मैं समझ गया, तो तुम्हें अभी के अभी पैसे चाहिए। तुम नेगोशिएट करने में अच्छे हो, तुम हार नहीं मानने वाले। हाँ, तुम मेरे टैलेंट्स का फायदा उठाना चाहते हो। हाँ, तो शुरू करो, मैं श्योर हूँ तुम निराश नहीं होगे। चलो हटो, तुमने मुझे 500 दिए है ना, मैं ये लिख देता हूँ। ये लो। ये क्या है? तुमने ये तो नहीं कहा था कि मैं ड्रॉ करूँ? मैं बहुत गुस्सा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तभी मुझे आर्टिस्ट पसंद नहीं है, वो बहुत तेज होते हैं। रुको, मैं समझ गया, ये बहुत सिंपल है। मैं इससे क्या आर्ट बना सकता हूँ? मैं उसे दिखाऊंगा, मैं यहाँ सबसे अच्छा आर्टिस्ट हूँ। ये बढ़िया बनेगा, इसे गैलरी में टंगा होना चाहिए। अभी भी थोड़ा प्लेन लग रहा है, अब इसमें कलर कर देते हैं। ये कलर परफेक्ट है, किसे पता था ये नंबर से शुरू हो सकता है। कभी कभी मैं खुद को भी हैरान कर देता हूँ। अब इसकी पूंछ बनाएंगे और आखिर में इसके पॉज। इसके पेट पर ग्रे कलर करेंगे और बढ़िया ब्राइट रेड स्ट्राइप्स बनाएंगे। मैं खराब नहीं करना चाहता। ये हो गया, इतना काफी है। रुको, मुझे अपनी किटी कैट दिखाओ। ये देखो, अरे यार, इसमें बहुत सरप्राइजेस हैं। दोनों ने ही अच्छा किया। एलेक्स ने मोनोक्रोम अप्रोच अपनाई और टीचर ने तो वाह कमाल कर दिया। पता नहीं ये राउंड कैसे जिताऊं। अरे यार, मुझे जिता दो ना, मैं ही जीतूंगा। और विजेता है ये मॉडल। क्या, चलो भी, उस कैट को तो देखो, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ देखो, मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना। ये क्या हो रहा है? हाँ, उसके बाल देखो, कितने मजाकिया है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, है ना? किस बारे में? हाँ, टडा, ये मैं था, वो आर्टिस्ट। हाँ, ये भेस बदलने में माहिर है। और यही तुम्हारा अगला चैलेंज है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे नई लुक दो। क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हमें थोड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए। अपनी ड्राइंग्स के लिए ऐसे बाल बनाओ और वो सुंदर होने चाहिए। चलो ड्राइंग बनाना शुरू करो, फिर मिलेंगे। घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझे नहीं पता क्या करना है। खैर, शुरू करते हैं। ये कैसा मजाक है, खराब हो गया। ओह, अगर यहाँ थोड़े बाल होते तो सही रहता, इससे तो ये और खराब हो गया। कोई फायदा नहीं है। है, चीटिंग नहीं चलेगी। ओह, मुझे तो बस थोड़े आइडियाज चाहिए थे। विग, अरे वाह, मैं यही ढूंढ रहा था। इसके आसपास ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगा ये आसान होगा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। मुझे मजा आ रहा है, मुझे ऐसे उदास आंखें मत दिखाओ। क्या हुआ, मेरी मदद कर दो प्लीज, पर मैं जीतना चाहता हूँ। देखते हैं क्या कर सकता हूँ। पहले तुम्हें बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, अब साइड से जोड़ो, लंबा लूप आर्क बनाएंगे, अब वेवी लाइंस बनाएंगे, ये ब्रेड्स बन जाएंगी। अब हम शेडिंग कर सकते हैं, इससे इसमें टेक्सचर आ गया। अब बस एजेस पर बनाते जाना है इस तरह। दूसरी तरफ से भी कुछ ऐसा ही करो और खूबसूरत बाल बन गए। रुको, टास्क ओवर हुआ, आपने कर दिखाया, मेरे हीरो। टाइम खत्म हो गया, लगता है तुम्हें ये पसंद आएंगे। हाँ, काफी अनोखा है।
पर बहुत अच्छा नहीं है। मेरी बारी। मदद के लिए शुक्रिया। वाह, इसका विजेता एलेक्स है। तुम सच में एक आर्टिस्ट हो। वाह, क्या सच में? ये वाला मैं उसे जीतने देता हूँ। वाह, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। ये असल में अच्छा बच्चा है। दिलचस्प है, वहाँ क्या हो रहा है? सब बकवास है। मुझे भी देखना होगा। इसमें क्या फनी है, देखो। वो ऐसे कर रही है, मैं हूँ प्रिंसिपल। हाँ, बुद्धू लग रही है। ओह सच में, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, तुम जानती हो। ओह, हम तो गए। तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हो, वापस आओ। वो हम कहाँ है? ओह, आउटफिट कितनी अच्छी है। तो तुम अपने आप को आर्ट क्रिटिक समझती हो? हम तो ड्राइंग चैलेंज शुरू करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुमने केविन को पहले देखा? हे, बस करो। पहले चैलेंज का समय है, हमारा थीम एक्वाटिक होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम फिश बनाओ। ओह ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये लाइट्स को क्या हो गया? मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। ओह रुको, ये तुम थी। वो ये कैसे कर रही है? तुम्हारी बारी आनी। ये देखो, ये एक हाथ है। मुझे इससे एक आइडिया आया, इंस्पिरेशन मिल गई। हाँ, पहले हाथ के आसपास ड्रॉ करेंगे, थोड़ा गैप छोड़ देंगे, अब इसे फिल कर लेंगे। ये फिश की पूंछ होगी। अब इसका सर बनाएंगे और इसका मुंह। ये फिश बन गई। अब इसकी आंख बनाएंगे और इसके स्केल्स। बढ़िया बन रही है। कभी कभी मैं खुद को ही हैरान कर देती हूँ। बस डिटेल्स बनानी है, थोड़ा कलर करेंगे। ये एकदम ब्राइट होनी चाहिए, बस लाइंस के बीचों बीच रखना है। इसे आप खराब नहीं करना। ये ब्लू एकदम परफेक्ट है, कितना वाइब्रेंट है। मैं सिर्फ स्ट्राइप्स को कलर कर रही हूँ, बॉडी के लिए अलग कलर चुनेंगे। हाँ, स्ट्राइप्स बन गई। चलो अब येलो पेन ले लें, इससे ब्लू कलर उभर कर आएगा। ओह, ये एकदम परफेक्ट बनी है, प्यारी सी फिशी। अब मेरी बारी। मैंने कार्ड से छोटी छोटी फिशेस काट ली है, अब इसे पानी के बोल में डालेंगे। हैप्पी स्विमिंग। ये कुछ खास नहीं कर रही। ओह नहीं, मेरी फिश फट रही है। तभी मॉम मुझे कभी पेट नहीं रखने देती। और रो मत, बहुत गलत हुआ। मैं जानती हूँ तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी, ये मुझे दो, मैं तुम्हारा मूड अभी बदल दूंगी। बोल को यहाँ रखेंगे। अब हमें मेटल स्पून चाहिए, इसके पीछे ड्रॉ करेंगे। ये एक छोटी सी फिश है। अब स्पून को पानी में डालेंगे। शर्माओ मत, चलो चलो स्विम करो। हाँ, गुड फिश। तुम्हें दोस्तों की भी जरूरत है, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली रहो। ये एक्वेरियम जैसा बन गया। वो कमाल है, अच्छा है ना? ये लो। वाह, थैंक्स आनी, हमारा बन गया। अरे वाह, फिश स्विमिंग कर रही है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। अब तुम्हारी ड्राइंग देखते हैं आनी, बहुत अच्छे। तो विजेता कौन है? मैं जानती हूँ, क्लोई। बधाई हो। क्या, पर मुझे जीतना चाहिए था। हे, मैंने रूल नहीं बनाए, ये बहुत गलत बात है। जो भी हो, रुको, क्या ये फैशन है? याइक्स, ऐसा तो मेरी ग्रैनी पहनती है। सब मेरे हाथ में ही है, इस पे टेस्ट का कोई काम नहीं। जरा उसे देखो। ओ माफ करना, मैं एक फैशनिस्टा हूँ। क्या? हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि तुम एक ब्रेस्ट डिजाइन करो। क्या पता मुझे पेरिस में कैटवॉक पर जाना पड़े। ओह, क्या चैलेंज है, मैं बहुत कुछ सोच कर बैठी हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। खैर, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ओह हाँ, ये बढ़िया लग रहा है, मैं फैशन वर्ल्ड बदलने वाली हूँ। ये बकवास है, पता नहीं ये कैसे हो गया, सब बेकार है। ओह फैंसी, मुझे अपने दिमाग को ढंग से चलाना चाहिए। हे ध्यान से, और मुझे उसी हिसाब से सोचना होगा। ओह नहीं, ड्रेस के हिसाब से। देखते हैं, लगता है मेरे पास एक आइडिया है, ट्राई करते हैं। मुझे एक और चीज चाहिए, पर क्या? अरे हाँ, मैं अभी आती हूँ। एप्पल जूस का पूरा जग, मुझे यही तो चाहिए था।
पहले नैपकिन को खोलेंगे, अब ऊपर की तरफ से फोल्ड करना शुरू करेंगे। मैं इस तरह प्लीट्स बनाऊंगी, इसे इस तरह मोड़ते जाएंगे। ये फैन के शेप में होना चाहिए। अब इसे ड्राइंग पर लगा देंगे। मुझे थोड़ी ग्लू चाहिए, इतनी काफी है। इसे इस पोजीशन में लगाएंगे। ये इतना आसान है, क्या बात है, कितना शीक है। पर ये थोड़ा प्लेन है, मैं चाहती हूँ ये शो स्टॉपर हो। तो मैं अपना पेंट ब्रश ले लेती हूँ और इस पर पोल्का डॉट्स बनाएंगे जो हमेशा अच्छे दिखते हैं। पेंट के अलग अलग कलर्स लेंगे, सब इसको मुड़ मुड़ कर देखेंगे। बस आधी तक पोल्का डॉट्स बनाएंगे, ये बहुत अनोखी दिखेगी। वाह, मुझे पसंद आई, कितनी खूबसूरत है। मैं अब इसे प्रिंसिपल को दिखाती हूँ। इतना सोच सोच कर मुझे भूख लग गई है। वाह, एनी की ड्राइंग देखो, कितनी खूबसूरत है। अब मैं क्या करूं? एक मिनट, जूसी फ्रूट का पूरा बोल मुझे चाहिए। मैं ही ले लेती हूँ। परफेक्ट प्राइम, अच्छा लग रहा है। मैं मजे से खाऊंगी। मुझे एक मिल सकती है? नहीं नहीं, ये मेरे हैं। कितनी गलत बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझसे गिर गया, अब मुझे इसे साफ करना होगा। कर्मा, जरा रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ क्या करना है, हम इस ड्रेस को आराम से खा सकेंगे। इस तरह इस पर रास्पबेरीज लगा देंगे, अब ब्लूबेरीज लगाएंगे। कितना अच्छा आइडिया है, कुदरत को हम पर गर्व होगा। शुक्र है मैंने सारे नहीं खाए, फ्रूट्स खत्म नहीं होने चाहिए। हमें एक लंबी सी फ्लोइंग ड्रेस बनानी है और ब्लूबेरीज लगाते जाएंगे। वाह, शानदार, ये कैटवॉक के लिए तैयार है। हे प्रिंसिपल, ओह तुमने पूरा कर लिया, उम्मीद है आपको पसंद आए। कितनी यमी ड्रेस है, मानना पड़ेगा। मैं सोच सकती हूँ आप ये पहनकर कितनी अच्छी दिखेंगी। मुझे खुश कर रही हो, दोनों ही ड्रेसेस कमाल की हैं। तो तुम दोनों जीत गई, बधाई हो। हाँ, दो ताली। एनी, वो कहाँ चले गए? ओह मुझे पता होना चाहिए था, मैं अभी बताती हूँ। हाँ हाँ खा लो, बस प्रिंसिपल को मत बताना। अब क्या, वो क्या सोच रही है? ओह मैं समझ गई, कुछ जादुई करने के लिए तैयार हो? ओह हाँ, तो ये देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम रेनबो बनाओ। हाँ मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है, पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैं बैग में कुछ देखती हूँ। ओह अच्छा आइडिया है, चलो भी। टॉयलेट पेपर, हाँ अजीब है, शायद यहाँ कोई पेन पड़ा था। तुम्हारे पास कितना सामान है? ओह फ्री की कैंडी, बहुत अच्छी है। चॉक, ये काम आ सकता है, बहुत मजा आएगा। मैं सबसे अच्छा रेनबो बनाने वाली हूँ, ये एक मास्टरपीस होगा, या शायद नहीं। टेस्टी है, चलो दोबारा ट्राई करें, कोई और कलर लेती हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? नहीं, मेरा चॉक काफी बढ़िया जा रहा है। हाँ सच में, रुको शायद मैं चॉक डस्ट इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ ये जरूर काम आएगा। पहले पेपर पर चॉक को प्रेस करेंगे, इसका चूरा बना लेंगे इस तरह। ऐसे ही अलग अलग कलर्स के साथ करेंगे, बहुत सारा चॉक डस्ट इकट्ठा कर लेंगे। ये मिनी रेनबो बन रहा है। अब इस पर उंगली से इस तरह पूरे पेपर पर फैलाएंगे, एक आर्क बनाते हुए दोनों कोनों पर क्लाउड बना देंगे। अब मुझे ब्लू चॉक चाहिए, अब इन क्लाउड के कोनों पर ये कलर करेंगे। ज्यादा नहीं चाहिए, उंगली से ही फैला देंगे, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। जी हाँ, एक खूबसूरत रेनबो तैयार है, इसे गैलरी में टंगे होना चाहिए। क्या तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हो, मुझे चिंता हो गई थी। मैं अपनी ड्राइंग के लिए कैंडी इस्तेमाल करूंगी, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। सबसे पहले ग्रीन वाली, इसे प्लेट पर रखेंगे और बाहर की तरफ से कैंडी लगाते जाएंगे, कलर्स बदलते जाएंगे। कितनी यमी लग रही है, पर मैं इसे खा नहीं सकती, ये आर्ट के लिए कुर्बानी है। बस एक पीस बाकी है। मैंने सिर्फ इसकी उम्मीद नहीं की थी, मुझे लगा था कुछ जबरदस्त होगा। हाँ अरे हाँ बिल्कुल, रेनबो से पहले बारिश तो आनी जरूरी है। प्लेट पर थोड़ा पानी डाल देते हैं, ज्यादा नहीं, इतना काफी है। क्या तुम ये क्या कर रही हो? मैं रेनबो बना रही हूँ। वो शानदार, मैं क्या ही बोलूं? मैं जानती हूँ ये कमाल है,
चलो अब देखें कौन जीता। वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। इन कलर्स को देखो, बहुत क्रिएटिव है। और रानी, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? वाह, बहुत बढ़िया। और विनर है एनी। पर रुको, क्लोई भी विनर है। तुम दोनों इसके हकदार हो। यीपी, बहुत अच्छा किया। ओ, मेरी डिलीवरी आ गई। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। क्या है ये सारा कचरा? हटाओ। ओ, ये मैं ले लेती हूँ। मुझे बबल्स फोड़ने बहुत पसंद है। ये तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट है, मजा आएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम ट्री बनाओ। मुझ पर भरोसा रखो, मैं करने के बाद ये बनाऊंगी। मजा आ रहा है, इसका नशा ही अलग है। मैं रुक नहीं पा रही। पॉप पॉप पॉप। ओ हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जानती हो ना। तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। जरा रुको, वो ट्री, मैं कुछ करती हूँ। चलो, बस थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी है। पहले इन्हें सर्कल में काटेंगे। अब अगला स्टेप, इन्हें पेंट करेंगे। ऊपर के हिस्से को पिंक पेंट करेंगे। अब ऑरेंज की बारी, इन्हें अलग अलग सेक्शंस में बांट देंगे। और नीचे की तरफ ब्लू, मुझे यही तो चाहिए था। अब ध्यान से इसे पलटा देंगे और पेपर पर प्रेस करेंगे। अब बाकी के सर्कल्स लेंगे, हर सेक्शन को अलग कलर देंगे। अब इसे पेपर पर लगाएंगे। बस ये आखिरी है। इसके लिए मैं अलग अलग ग्रीन के शेड्स लूंगी और ये ब्लेंड होते जाएंगे। इस सर्कल को सबसे ऊपर लगाएंगे। अब एकदम आराम से बबल रैप को निकाल दें और ये पैटर्न छोड़ते जाएंगे। कितने बढ़िया लग रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था। अब बस कुछ फिनिशिंग टचेस की बारी। ट्री ट्रंक्स बनाने के लिए ब्राउन पेंट लेंगे। अब ब्रांचेस बनाएंगे, ये मॉडर्न आर्ट जैसा है। और थोड़ी ग्रास कैसी रहेगी? बाकी सर्कल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। ट्रंक्स को टेक्सचर देने के लिए व्हाइट पेंट करेंगे। लो, हो गया। ये थोड़ा अलग है पर मुझे पसंद आया। ओ, शायद मुझसे गलती हो गई। उप्स, माफ करना। ये तुमने क्या किया? मेरी पेंटिंग खराब हो गई। मैं इसे हटाती हूँ। ओह, ये तो और भी खराब कर रहा है। कोई फायदा नहीं है। हे, शायद मैं अभी भी इसे ठीक कर सकती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ क्या करना है। चलो काम पर लग जाएं। कॉटन स्वाब के आसपास रबर बैंड लपेटें, एकदम कस कर बांधे। अब ग्रीन पेंट को पेपर पर इस तरह डैब करें, रैंडम पैटर्न बनाते जाएं। ये अच्छा बन रहा है। अब हम थोड़ा ब्राइट ग्रीन लेंगे और इससे गैप्स भरेंगे। ये पेंट की लेयर्स बनाता जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट और टेक्सचर भी आ रहा है। अब मैं ट्रंक को पेंट करूंगी, ये वाला ब्राउन बिल्कुल ठीक रहेगा। और असली दिखाने के लिए लेयर्स बनाते जाएंगे। अब ब्रांचेस बनाएंगे, ज्यादा नहीं, बस ये लीव्स में से दिखनी चाहिए। ग्रास बनाने के लिए लंबे लंबे ब्रश स्ट्रोक्स बनाएंगे। वाह, ये अच्छा लग रहा है। मैं इतना अच्छा सोच भी नहीं सकती थी। ये अभी तक का मेरा सबसे अच्छा काम है। देखो, क्या देखना सेफ है? मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। तुम बहुत डरावनी हो। उम्मीद करो कि मैं जीत जाऊँ। काफी अनोखा है क्लोई। एनी, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। शानदार। तो ये राउंड कौन जीता? एनी ही हो सकती है। वाह, मैं जीत गई, मैं जीत गई। बहुत अच्छे। मुझे एनी से माफी मांगनी होगी, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है मुझे लॉलीपॉप्स पसंद है। शांति मिली। ये गेम बहुत बढ़िया है, मुझे पसंद आई। तो मैं ये ढूंढ रही थी। उप्स, मेरे ब्रशेस गिर गए। मैं उठा देता हूँ, कोई बात नहीं। आओ, बहुत जोर से लगी। माफ करना। और शुक्रिया। ओ नहीं, यहाँ तो पानी फैल गया। अब तुम ये पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? बहुत गुस्सा आ रहा है। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पेपर पर थोड़ी इंक डालेंगे, पानी से थोड़ी फैल जाएगी। कितनी बढ़िया लग रही है। इस पर और ड्रॉप्स डालेंगे। वाह, ये परफेक्ट है, जैसे दो सर मिल रहे हो। इससे मुझे कुछ याद आया। तुम क्या सोचती हो ऐसी? तुम्हें पसंद आया? वाह, ये बहुत सुंदर है। विश्वास नहीं हो रहा, ये तुमने बनाई। एक और चीज, उम्मीद थी तुम ऐसा ही कहोगे। ध्यान दो क्लास, मैं चाहती हूँ आप एक यूनिकॉर्न बनाए। जरा ये देखो, मैं शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। ये बहुत बढ़िया बनेगा। मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और ये वाला सबसे अच्छा होगा। बहुत सुंदर। लो, हो गया। कैसा लगा? हाँ, ठीक ही है, मेरा वाला ज्यादा अच्छा है। तुमने ऐसा कैसे किया? ये तो एक आर्ट है।
मेरा यूनिकॉर्न बेकार है, मुझे कुछ करना होगा। ओ, मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी से फोटो ले लेते हैं। मैं बहुत तेज हूँ, अब एक और चीज करनी है, जल्दी करना होगा। नहीं। हे डैडी। ओ, कितना प्यारा यूनिकॉर्न है, मैं चाहती हूँ आप इसे ड्रॉ करो। सच में कोई परेशानी नहीं है, मुझे टॉय हॉर्स चाहिए, इसे पेपर पर रखेंगे, अब इसे ट्रेस करेंगे। आपको ये आता है ना? भरोसा रखो, मैं ये पहली बार नहीं कर रहा। ये देखो, एक शानदार यूनिकॉर्न। ये पिक्चर जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत बेकार है डैड। हर कोई क्रिटिक बन जाता है, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बस एक सेकंड दो, इस पर कलर करेंगे। टडा, एक जबरदस्त यूनिकॉर्न। क्या आप इसे एक ही चीज कहते हैं? ये यूनिकॉर्न है और वो नेचर की इंसल्ट है। मुझे तो ये पसंद आया। चलो मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। जरा रुको, मैं समझ गया। हाँ, ये शायद काम करे। ग्लास को पिक्चर से निकाल लेंगे, ये काम आएगा। यहाँ अंधेरा होना चाहिए, तो शुरू करते हैं। पहले हॉर्स को जूम करेंगे, फोन के साइड में गम लगा देंगे। अब इसे इस तरह खड़ा कर देंगे, पिक्चर फ्रेम ग्लास को इस तरह लगाएंगे, इतना ठीक लग रहा है। अब यूनिकॉर्न को पेपर पर प्रोजेक्ट करेंगे, इसके आसपास ट्रेस करेंगे। ये कितना आसान है, बस लाइंस को फॉलो करना है, एकदम आराम से। ये परफेक्ट होना चाहिए, जब ये हो जाए तो फिर इसमें कलर करेंगे। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे को ये पसंद आएगा। सर को पिंक पेंसिल से कलर करेंगे, पेन इस्तेमाल करेंगे, इससे इसमें शेडोइंग करेंगे। लगता है हो गया, अब ग्लास निकाल लेंगे। वो कमाल है, थैंक्स डैड। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा था। क्लास में वापस चलते हैं, बस मुझे कोई देख ना ले। मैं आ ही गई। मैंने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली। वाह, शानदार, बिल्कुल असली लग रही है। वो तुम तो सच में एक आर्टिस्ट हो ऐसी। हाँ, हो तो सही। गाइस, हमें क्रिएटिव होना होगा, चलो पेंट करें। इसे पेपर पर डालते हैं। वाह, कितना ब्राइट है, इसे ऐसे फैलाते जाएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ ये कैसे करना है। अब अपने फोन से फोटोज लेते हैं। ओ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, इन्हें पोस्ट करेंगे। वाह, लोग अभी से इतना रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, उन्हें पसंद नहीं आया, मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए था। लोग कितने बुरे होते हैं, इसे फेंकना होगा। हाँ, ये क्या था? वाह, जरा इसे देखो, आज का दिन मेरे लिए लकी है। कलर्स कितने वाइब्रेंट हैं और ये पैटर्न कितना जबरदस्त है, पर अभी और भी काम बाकी है और ये मैं ही करूँगा। कहाँ है? नहीं, ये नहीं चाहिए। इसके नीचे क्या है? एक गोल्ड बार, बेकार है। ओह हेलो, इसे बात के लिए रख लेता हूँ। जरा रुको, मैं यही तो ढूंढ रहा था। पेंटिंग के ऊपर पानी डालेंगे, पेंट थोड़ा लूज हो जाए, मतलब ये थोड़ा गीला हो जाए, तो कलर्स मर्ज हो जाएंगे इस तरह। मैं कचरा फेंक देती हूँ। ये क्या? अब काफी बेहतर है। तुम कौन हो? मुझे ये अपनी कलेक्शन में चाहिए, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। डील पक्की हुई, आपके साथ काम कर अच्छा लगा। पर वो मेरी पेंटिंग है। इसे इग्नोर करो। वाह, मैं अमीर हूँ। मुझे वो स्प्रे बॉटल चाहिए, एकदम आराम से, बस पहुँच ही गए। कौन है? हाँ हाँ, मैं आपका मंकी पेंट करूँगा। बाल बाल बचे, अब मैं एक आर्टिस्ट बन जाऊंगी, अब चलना होगा। मैं ये पर्पल पेंट करूँगा। उप्स, कचरा तो मैं भूल ही गई थी। दिलचस्प है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पर मैंने आर्टिस्ट को ऐसा करते देखा है, कूल लग रहा है। हाँ, लगता है मैं तैयार हूँ, चलो एक मास्टरपीस बनाएं। मुझे कुछ अच्छा सोचना होगा। अच्छा तो मैं खुद नहीं हूँ तो क्या सोचूं? सुनने में खुद ही अजीब लग रहा है। क्या बकवास है, बहुत बेकार, बहुत हुआ, ये कमाल का है। मदर नेचर को मुझ पर गर्व होगा। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता, मैं हार मानता हूँ। एलेक्स, तुम अंदर हो? ये गंद क्यों मचा हुआ है, हर जगह पेपर फैले हुए हैं। पता नहीं मैं इतना क्यों सोचता हूँ, किसे पता था ये इतना मुश्किल होगा। हाँ? हाँ? क्या हुआ? मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा था, पर ये सब बेकार है। वाह, तुम कितनी ड्रामेबाज हो, मुझे हंसी आ जाती है, इसमें इतना फनी क्या है? ये मुझे दो। हे, वो मेरा है, मैं उदास होता हूँ तो मैं कुछ खाता हूँ।
ओह, अपना पैर संभालो, सैलरी मुझे दो। कभी नहीं। तो ऐसी बात है, हाँ? बस करवा ले। ये एयरबॉर्न है। देखो तुमने क्या किया। जरा रुको, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सैलरी को काटेंगे। मेरे कराटे लेसन काम आ रहे हैं। अब एक ब्लू पेपर की शीट लेंगे, उसके ऊपर रेड पेंट डालेंगे, बहुत सारा, इतना काफी है। अब पेंट में सैलरी को डिप करेंगे, इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। मुझे ऐसे ही चाहिए। अब मुझे एक ब्लैंक कैनवस चाहिए। सैलरी को उल्टा करेंगे और पेपर पर प्रेस कर देंगे। अब ग्रीन पेंट चाहिए। एक स्टेम पेंट करेंगे और इसकी लीव्स भी। ये एक सुंदर सा फूल है। कमाल है, असली आर्टवर्क सेल पर लगा है, मिस मत कर देना। वो क्या तुमने ये देखा? दो ताली। ये मुश्किल है। इतना काम कर मुझे भूख लग रही है। शुक्र है मैं तैयार था। ये बहुत टेस्टी है। मैं क्या ड्रॉ करूं? कुछ सोच नहीं पा रही। ये इतना मुश्किल क्यों है? और मैं एक नाचते हुए बंदर के बारे में क्यों सोच रही हूँ? अजीब है। हे ऐसी, हाँ? तुम्हें सैंडविच ट्राई करना चाहिए। एलेक्स ध्यान से, वो केचप देखो एलेक्स। क्या? ओ नहीं, ऐसा हमेशा होता है। साफ कर देता हूँ। तभी मैं हमेशा अपने साथ नैपकिन रखता हूँ। इसे साफ करना होगा। तुम तो इसे और खराब कर रहे हो। सब हो जाएगा। रुको, बस करो। तुमने मुझे इंस्पायर कर दिया एलेक्स। पेपर पर इरेजर से ड्रॉ करेंगे। उम्मीद है ये काम करे। अब पेपर पर ब्रश से पानी डालेंगे, इस तरह नीचे तक। इसे अच्छे से कवर कर देंगे, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। अब इस पर टिश्यू पेपर लगा देंगे। मैं ब्लू और रेड इस्तेमाल कर रही हूँ। पेपर को ओवरलैप करते जाएंगे ताकि ये भी पानी से गीले हो जाए। इसे पूरे पेपर पर लगा देंगे और कलर्स बदलते जाएंगे। ये आखिरी पीस है। पेपर को दोबारा गीला करेंगे, ज्यादा भी नहीं, बस जरा जरा सा गीला होना चाहिए। अब इसके सूखने का इंतजार करेंगे और बहुत आराम से इसे निकाल देंगे। ये हिस्सा मजेदार है। कलर पेपर पर ट्रांसफर हो जाएगा, पर इरेजर की ड्रॉ की हुई जगह पर नहीं। ये अभी भी व्हाइट है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। जरा देखो एलेक्स। वो कितना कूल है। तुम मेरी तरह ही सोचती हो ऐसी। क्या सच में मेरा सैंडविच शेयर करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार, तो मैं ही खा लेता हूँ। आप ये स्कूल हैक्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।